हम मुनाकिद किए हैं, पैलेस्टाइन लैंड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स की जो सीरीज हम चला रहे हैं, उसके हम आज चौथे दिन में पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो पिछले तीन दिन में जो सुने हैं वो टॉपिक्स जो है डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट याकूब, कॉन्करर्स ऑफ अल-कुद्स, द सैंक्टिटी ऑफ जेरूसलम एंड अल-अक्सा, और आज जो है हम द ज़ायोनिस्ट मूवमेंट एंड फाउंडेशन ऑफ इसराइल के ऊपर हम कुछ अपने स्पीकर से कुछ सुनने की और उनसे कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ये जो है ऑनलाइन जूम पे भी चल रहा और यूट्यूब और फेसबुक पे भी ये लाइव चल रहा है। तो आपके जो दोस्त अहबाब हैं, घर वाले हैं, उनसे अगर आपको जूम पे उनको शामिल करने की मुश्किल हो रही है तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, आप उसके उसके ज़रिए से आप उनको शामिल करा सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए बिला ताखिर मैं दावत देता हूँ ब्रदर अब्बाद, डिवीज़न सेक्रेटरी SIU हैदराबाद साउथ से, कि वो आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से शुरू करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. جزاك الله. اب میں دعوت دیتا ہوں برادر ڈاکٹر زبیر احمد خان، ڈویژن پریزیڈنٹ SIU حیدرآباد ساؤتھ سے، کہ وہ ہمارے سامنے تذکیر بالقرآن پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ساتھیوں، پہلے تو میں آپ تمام سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، اور اس کے دین کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کی کچھ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہمیں کچھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ
आज हम सूरह लैल की चंद आयतों के ताल्लुक से अल्लाह ताला उन आयतों में क्या फरमा रहा है उनको समझने की कोशिश करेंगे। सूरह लैल, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मक्की सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई, और हम बखूबी सीरत से वाकिफ़ हैं कि मक्की सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद, रिसालत और आखिरत के ताल्लुक से बहुत ही एक लतीफ़ अंदाज में मुशरिकीन मक्का तक इस बात को पहुंचाया है और उसकी खुली दलीलें उनके सामने पेश की। चुनाचे मैं सूरत पर आता हूँ। मैं इंशाल्लाह इस 10 आयतों को 3 हिस्सों में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली 4 आयतों में अल्लाह ताला ने कसम खाई है चंद चीज़ों की, और फिर उसके बाद दो तरह के अफराद या फिर दो तरह के कौमों या फिर दो तरह की ताकतों के कामों की अल्लाह ताला ने निशानदेही की है। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल लैलि इज़ा यग़शा वन नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़त ज़कर वल उन्था इन सायकुम लशत्ता। कसम है रात की जबकि वो छा जाए, और दिन की जबकि वो रोशन हो, और उस ज़ात की जिसने नर और मादा को पैदा किया। दरहक़ीक़त तुम लोगों की कोशिशें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। तो मुफस्सिरीन इकराम ने इन आयतों के अंदर ये जो कसमें खाई गई हैं इनके ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो अलग अलग चीज़ों की, यानी रात और दिन की, और फिर उसके बाद नर और मादा की, ये जो कसमें खाई गई हैं, ये इन कसमों को हम पर जब गौर करेंगे तो ये बिल्कुल ही मुतजाद है। रात दिन से बिल्कुल ही ऑपोजिट है और नर और मादा बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी अपनी कोशिशें, हर फर्द की कोशिश, हर कौम की कोशिश, हर एक ग्रुप की कोशिश मुख्तलिफ होती है, और वो दो किस्म की होती है। एक कोशिश, कुछ लोग, नेक लोग, वो अल्लाह के दीन के लिए कोशिशें करते हैं, और अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ जो भी फ़र्द उठता है या फिर जो भी ताकत उठती है या जो भी कौम उठती है, उनकी कोशिशें और मुख्तलिफ होती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सायकुम लशत्ता, उनकी सही अलग अलग होती है। तमाम अफराद की सही अलग होती है। मुसलमानों की सही ये होती है कि वो अल्लाह के दीन को बुलंद करने की कोशिश करें, अल्लाह के दीन को ज़मीन पर क़ायम करने की कोशिश करें, अल्लाह ने जो मसावात इस्लाम के ज़रिए से लोगों के लिए बयान की हैं उनको नाफिस करने की कोशिश करें। उसी तरीके से जो इस्लाम दुश्मन ताकतें होती हैं, जैसा कि हम अभी सीरीज़ चला रहे हैं, ज़ियोनिस्ट ताकतें होती हैं या फिर दूसरी ताकतें हैं, वो अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ काम करती हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे दोनों कोशिशों को ऑपोजिट बताया है, और सिर्फ ये कौमों की हद तक नहीं होती बल्कि अफराद के अंदर भी ये कोशिशें अल्लाह ताला यहाँ पे उसका इशारा करता है कि एक फ़र्द होता है जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी घर वालों की ज़िंदगी को, और अपने इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी को अल्लाह के दीन के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है, उसकी अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और उसी तरीके से उसका मुतजाद यानी काफिर शख्स या फिर जो अल्लाह के दीन का इनकार करता है, वो उस कोशिशों को अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है। तो ये दो किस्म की कोशिशें हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, अब पहले किस्म की कोशिश यानी जो नेक अफराद होते हैं, जो अल्लाह ताला के दीन के लिए काम करते हैं, उनकी कोशिशों को 3 सिफतों के अंदर बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वह सद्दक बिल हुस्ना व अम्मा मन आता व तक़ा व सद्दक बिल हुस्ना फसन यस्सिरहु लिल युस्रा। वो अफराद जो राह खुदा में माल देते हैं और खुदा की नाफरमानी से परहेज करते हैं और भलाई को सच मानते हैं, इन अफराद के लिए हम आसान रास्ते सहूलत देते हैं।
तो यहाँ पे तीन सिफतें अल्लाह ताला ने बयान की हैं, ये फ़र्द की भी हो सकती हैं, किसी कौम की भी हो सकती है, या फिर किसी भी क़ुव्वत की हो सकती हैं। तो पहली सिफत ये बयान की गई है कि वो फ़र्द अता करता है, देता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, वो कौम अल्लाह की राह में देती है, दूसरे कौमों की मदद करती है, उनके लिए सहूलतें फराहम करती हैं। और यहाँ पे सिर्फ देने से मुराद, अता करने से मुराद सिर्फ माल देना नहीं है, बल्कि जो भी सलाहियत, जो भी स्किल्स है, जो भी सलाहियतें हैं, जो भी वक्त है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करना अता करने में शुमार होती हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि वो शख्स जो अल्लाह की राह में देता है, और न सिर्फ माल बल्कि अपनी सलाहियतों को, अपनी नौजवानी की ज़िंदगी को, अपनी मसरूफियत जो वो दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, उसको अल्लाह की राह में खर्च करता है, वो अता करने वाले होते हैं। और सिर्फ वो अता कर कर खामोश नहीं बैठ जाते, और सिर्फ अता कर कर अपनी इनफरादी ज़िंदगी को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं गुजारते, बल्कि वत्तक़ा, वो तख्वे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों की भी मदद करते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा तरसी की रविश अख्तियार करते हैं, बुराइयों से अपने आप को भी बचाए रखते हैं, माशरे को भी बचाने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरी सिफत जो उनकी बयान की गई, वह सद्दक बिल हुस्ना, यानी भलाई के कामों को अच्छा जानते हैं और उनको सच मानते हैं। व ताउन वल बिर्री व तक्वा, ये जो काम अल्लाह ताला ने बयान किया है वो काम को इख्तियार करते हैं, भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं, और जो भलाई का काम दूसरे अफराद कर रहे हैं, या फिर दूसरी तंजीमें कर रही हैं, या फिर दूसरे मुसलमान कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलकर वो काम करते हैं, या फिर उनको सपोर्ट करते हैं, अब माली तरीके से, फिज़िकली जैसा भी हो सकता, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, मसलकी इख्तलाफात में पढ़कर एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय, यहाँ पे अल्लाह ताला में हुक्म देता है कि वो जो भी भलाई का काम हो, एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए लोगों की भलाई की कोशिश हमें करते रहनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उस शख्स को, या फिर उस कौम को, या फिर उस पावर को आसान रास्ते के लिए सहूलत देंगे। आसान रास्ते से मुराद क्या है? हम बेशुमार कुरान मजीद की आयतों में पढ़ते रहते हैं कि जो शख्स मुसलमान या फिर ईमान लाता है, कि अगर वो ये कह दे कि ईमान में ला लिया तो उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे आजमाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बात बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला आसान रास्ते फराहम करेगा, तो इसका मतलब ये है कि हर काम के लिए अल्लाह ताला आसानी फरमा देगा। फजर की नमाज़ को उठने के लिए उसे आसानी महसूस होगी, दूसरे फरीज़े इस्लाम के अंजाम देने के लिए वो अपने अंदर एक आसानी महसूस करेगा, ज़कात देना उसके लिए आसान हो जाएगा, अपनी नौजवानी की नींद कुर्बान करना उसके लिए आसान हो जाएगा, अपनी नौजवानी की मसरूफियतों को छोड़कर अल्लाह की राह में काम करना उसके लिए आसान हो जाएगा। ये जो आसानी है अल्लाह ताला की तरफ से फराहम होगी, कब होगी? जब ये तीन सिफतें हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कौम के अंदर इन चीज़ों को पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब मैं अपने तस्कीर के तीसरे हिस्से की तरफ आता हूँ कि वो शख्स या फिर वो कौम जो इनके मुतजाद सिफात अल्लाह ताला ने इनके बयान की गई हैं, वो ये है कि वमा युक व अम्मा मम बखिला वस्तगना व कद्दब बिल हुस्ना फसन यसिरहु लिल उसरा, कि वो लोग जो बुखल किया करते हैं, जिसने बुखल किया और अपने को खुदा से बेनियाज बरता और भलाई को झुटलाया, तो हम इनको सख्त रास्ते के लिए सहूलत देंगे। तो फिर से ऑपोजिट जो लोग होते हैं, या फिर इन सिफतों के खिलाफ, के वो लोग बुखल करते हैं, और बुखल के माने सिर्फ न देना नहीं है, बल्कि रुक रुक कर देने के भी बुखल के माने मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। तो हम अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कहीं हम अल्लाह के रास्ते में क्या रुक रुक कर तो खर्च नहीं कर रहे? हमारा वक्त हो, हमारी सलाहियतें हों, अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमको दी हैं उनको क्या हम अल्लाह ताला की राह में भरपूर जो उसका हक़ है वो अदा कर रहे हैं? ये हमें गौर करने की ज़रूरत है। फिर दूसरी सिफत उनकी बयान की गई है कि वो इस्तगना बरतते हैं, यानी तख्वे का ऑपोजिट इस्तगना है, यानी खुदा तरसी की रविश उनके अंदर नहीं पाई जाती। कुछ अफराद हो सकते हैं कि वो लोगों की मदद करें, खैरख्वाही के काम करें, लेकिन ख़ुद अपनी इनफरादी ज़िंदगी में जब हम उनके
झांके, तो तखवे की रविश उनकी कहीं ना कहीं हमें नहीं पाई जाती। वो इज्तमाही तौर पे तो अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन अगर अपनी इनफरादी ज़िंदगी में वो परहेजगारी अख्तियार ना करें, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में वो तखवे की रविश अख्तियार ना करें, खुदा तरसी अख्तियार ना करें, तो ये दूसरी सिफत उनके अंदर कहीं ना कहीं पाई जाती हैं और ये बिल्कुल मुतजाद है। और फिर आखिर में जो सिफत, जो काम वो इनकार करने वाले करते हैं कि वो भलाई का इनकार करते हैं या भलाई के कामों को झुटला देते हैं, सिर्फ लोगों को लड़वाने के लिए या फिर फसाद बरपा करने के लिए काम करते हैं, अच्छे काम करने वालों को अच्छे काम करने से रोकते हैं, जो बुराई मिटाने की कोशिश कर रहा है उसका साथ नहीं देते, जो भलाई के काम कर रहा है या फिर भलाई की कोशिश कर रहा है उसका साथ नहीं देते, सिर्फ इतना भी नहीं कहते कि वो अच्छा काम कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि उसका मसलक अलग है या फिर उसकी जमात अलग है या फिर उसका अकीदा अलग है या जो भी है, नेक कामों के करने में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म फरमाया है कि वताउन अल बिर तक्वा, नेक कामों में एक दूसरे का साथ दो। तो हमें ये तीन सिफतों को अपने अंदर अगर हो तो उनको बहुत ही जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करनी चाहिए कि एक बुख्ल है, एक इस्तगना है और एक कद्दब बिलहुसना है, यानी अच्छाई के कामों का इनकार करना, अच्छाई के कामों को अच्छा न जाना या फिर अफराद की बुनियाद पर या फिर कौमों की बुनियाद पर अच्छाई के कामों को भी झुटला देना। इन लोगों के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों को हम सख्त रास्ते के लिए सहूलत देंगे। हम देखते हैं आम तौर पे दुनिया के अंदर जो अफराद अपने इनफरादी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, खासकर नौजवान जो सिर्फ माल कमाने की हवस में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि दीन के जो अहम फरीजे हैं उनको भी अंजाम देना ज़रूरी नहीं समझते, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको सख्त रास्ते की तरफ अल्लाह ताला सहूलत देता है। उनकी ज़िंदगी में कभी सुकून हम मैसर नहीं आता, वो हमेशा मुश्किलात का शिकार होते रहते हैं। या फिर दुनिया की ज़िंदगी अगर हमको ज़ाहरी तौर पे उनकी खुशगवार भी नज़र आए, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब या फिर जो है बहुत ही सख्त मामला तय कर रखा है। तो ये जो तीन हिस्सों में मैंने आप लोगों के सामने ये सूरह लैल की 10 आयतों की तस्कीर की है, इनको समराइज़ करते हुए अपने पॉइंट्स को समराइज़ करता हूँ कि दुनिया के अंदर फ़र्द की हैसियत में भी, कौम की हैसियत में भी और ताकतों की हैसियत में भी दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जो लोगों को देते हैं, हम मुसलमान आम तौर पे देने वाली कौम कहलानी चाहिए, लोगों को देते हैं और सिर्फ माल देना मुराद नहीं है बल्कि अपने स्किल्स को, खासकर अपने नौजवानी की इस उम्र को, अपने इस सलाहियतों को अल्लाह की राह में देने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़ तखवे की रविश इख्तियार करते हैं, सिर्फ लोगों की मदद कर देना और अपने आप को तखवे से दूर रखना ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी तखवे की रविश इख्तियार करना और लोगों की भी मदद करना है। फिर अच्छाई के काम जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनका साथ देना है और उसको अच्छा मानना है। ये तीन सिफतें जो इख्तियार करेंगे अल्लाह ताला उनको अच्छा आसान राह उनके लिए फराहम करेगा, अल्लाह ताला हमें उनमें शुमार फरमाए। दूसरे जो इनके मुतजाद अफराद या कौमें होती हैं वो बुख्ल की रविश इख्तियार करते हैं, लोगों को देने से कतराते हैं, रुक रुक कर देते हैं और इस्तगना, उनकी ज़िंदगी में तकवा नहीं होता, अल्लाह से डरने का जो मामला है, खुदा तरसी से खाली उनकी ज़िंदगी होती है। और फिर कद्दब बिलहुसना, अच्छाई के कामों को प्रमोट नहीं करते, अच्छाई के कामों की सराहना भी वो ज़रूरी नहीं समझते, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने सख्त रास्ता जो है उनके लिए मुहैया कर दिया है। तो आखिर में कंक्लूजन के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हमें अभी मैसर हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ के मामले में होने दीजिए, हमारी नौजवानी की ज़िंदगी के मामले में होने दीजिए, हमारे जो स्किल्स है अल्लाह ताला ने हमें जो दिए हैं, जो क़ुव्वतें हमें दी हैं, चाहे वो हमारे पढ़ाई के मामले में होने दीजिए या फिर जो टैलेंट्स हमें अल्लाह ताला ने सिखाए हैं, उनको अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, ख़ासकर नौजवानी की उम्र में, ये अल्लाह ताला को मतलूब है। और जब हम इन चीज़ों को करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए राहें आसान फरमाएगा।
और एक दो मिसालें देते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करूं कि SIO में भी हम जब अपनी नौजवानी की ज़िंदगी गुजारते हैं तो कई सारे जिम्मेदारान को हमने देखा है कि अपने ऐन करियर के पीक के मौके पर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी कि अल्लाह के दीन के लिए पहले काम करना है, अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए पहले अपनी नौजवानी को लगाना है, और उन्होंने अपनी नौजवानी को लगाया और आगे चलकर अल्लाह ताला ने उनके लिए इतनी राहें आसान फरमा दी कि जो वो आगे चलकर और ज़्यादा अल्लाह की राह में और अल्लाह के दीन के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले बनकर निकले। इसी के साथ मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआगो हूँ और आप तमाम नौजवान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे गुजारिश करता हूँ और अदब से उनको दावत देता हूँ कि आप भी SIO स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो एक वाहिद मुस्लिम तुलबा की तंजीम है जो मुस्लिम तुलबा के अंदर और गैर मुस्लिम तुलबा के अंदर बहुत ही दिलजोई के साथ एक मिशन को लेकर उठी है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी के मिशन को लेकर उठी है, उसमें अपनी नौजवानी के वक्त को लगाइए। आइए हम साथ मिलकर इस मुआशरे को, जो मुआशरा हम आसपास में देख रहे हैं, इसको सुधारने की कोशिश करें और अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं इनको इन मुआशरे के अंदर नाफिज करने के, अपनी नौजवानी की ज़िंदगी को लगाएं। अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पर चलाए और अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन कोशिशों को कबूल फरमाए और उसकी राह में देने वाला बनाए, उसकी राह में खर्च करने वाला बनाए, और अपने अंदर तखवे की रविश अख्तियार करते हुए अच्छाई के कामों में दूसरों का साथ देने वाला बनाए। रब इग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर। ये थे ब्रदर ज़ुबैर अहमद ख़ान, डिवीज़न प्रेसिडेंट SIO हैदराबाद साउथ से। आज के हमारे मेहमान मुकर्रर ब्रदर ख़ान यासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका मुख्तसर सा तारुफ करते हुए मैं उनको अपना माइक हैंड ओवर कर दूंगा। ब्रदर ख़ान यासिर जो है रिसर्च स्कॉलर हैं और फैकल्टी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये फॉर्मर CAC मेंबर है SIO इंडिया से। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आज हमसे द ज़ायोनिस्ट मूवमेंट एंड फाउंडेशन ऑफ इज़राइल पे हमें हमसे मुखातिब करें। ब्रदर खान यासिर। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم The Zionist Movement and the Foundation of Israel इस موضوع پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں گفتگو کی زیادہ تر نوعیت تو تاریخی ہوگی लेकिन ये कि उससे कुछ नतायज निकालना या ज़ायनिस्ट मूवमेंट और उसके जो डिफरेंट डिटेल्स हैं, उसकी जो मुख्तलिफ बारीकियाँ हैं, उसकी मुख्तलिफ शाखें हैं, मुख्तलिफ थिंकर्स हैं और सब ने मिल कर किस तरह से एक एक मकसद को लेकर कामयाब बनाने के लिए एक कई सालों पर कई दहाइयों पर मबनी एक मूवमेंट को छेड़ दिया, इन तमाम चीज़ों को ज़रा डिटेल में जाकर, हिस्टोरिकल डिटेल में जाकर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करना बहुत ज़रूरी है जो कि इस पूरी गुफ्तगू को सुनने के बाद हो सकता है किसी जहन में आ जाए। लिहाजा बिल्कुल शुरुआत ही में ये बात मैं पेश कर दूं कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए पैदा किया है और उसको बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, उसको अक्ल दी है, समझ दी है और अपनी अक्ल का वो इस्तेमाल करता है, बल्कि ज़्यादा सही अल्फाज में कहें तो वो इसी के लिए अल्लाह ताला के सामने जवाबदार है। तो कोई इंसान अपनी अक्ल का बेहतरीन इस्तेमाल करता है और दीन की खिदमत करता है, दुनिया की खिदमत करता है, दीन को समझना लोगों के लिए आसान बनाता है, दीन पर जो बातिल के हमले होते हैं उसको दूर करता है और फिर वो दुनिया में इमाम अबू हनीफा, इमाम गजाली, इमाम इब्न तैमिया या इमाम मौदूदी कहलाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को महसूस करते हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं उनकी वो लगाते हैं इल्म के मैदान में, साइंस के मैदान में और फिर दुनिया की और इंसानों की जमकर खिदमत करते हैं। ऐसे लोग ज़हरावी, अलबैरूनी, इब्न अल हैसम या फिर आइंस्टाइन, न्यूटन और टेस्ला वगैरह के नामों से जाने जाते हैं दुनिया में ऐसे इल्मी खिदमत अंजाम देने वालों की, साइंसी खिदमत अंजाम देने वालों की फहरिस्त बड़ी तवील है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो अपनी अक़ल को और अपनी सलाहियत को ऐसे सेक्टर्स में लगाते हैं जो कोई बुरा या नुकसानदह सेक्टर नहीं है, जायज़ सेक्टर है,
तो मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स में मोहम्मद अली, डॉन ब्रैडमैन या पेले बनकर वो उभरते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपनी दिमागी सलाहियतों को, अपनी अकल को गलत कामों में लगाते हैं। उनमें से कोई सीरियल किलर बनकर उभरता है, कोई डिक्टेटर बनकर उभरता है, कोई मास मर्डरर बनकर उभरता है, कोई बातिल नज़रियात को फ़रोग देने वाला बनता है और कोई जुल्म नाइंसाफ़ी को फैलाने वाला बनता है। इन लोगों को हम चंगेज़, हलाकू, हिटलर, लेनिन या मार्क्स, हर्ज़ल और सावरकर वगैरह के नाम से जानते हैं। तो यानी ये बात यहाँ पर यह कहनी मकसूद है कि इन तमाम डायमेंशंस में, इन तमाम सेक्टर्स में जो आपके सामने नाम पेश किए गए या मैदान पेश किए गए, हर एक में कंट्रीब्यूशन ये अक्ल, दिमाग और आला तरीन सलाहियतें दरकार हैं। लेकिन इंसान की असल बड़ाई इस बात में है कि वो अपने लिए कितना बड़ा मकसद, कितना सही मकसद चुनता है, या उस वो उतना ही गिरा हुआ इंसान होगा जो अपने लिए छोटे से छोटा या गलत किस्म के मकासद पर तैयार हो जाए, या उसके लिए अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को पेश करे, उसके लिए अपनी सलाहियतों को डेडिकेट करे, उसके लिए अपनी सलाहियतों को लगाए। तो सलाहियतें अच्छे मैदान में भी लगनी है, बुरे मैदान में भी लगनी है। इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी अकल की ज़रूरत है, और इंसानियत को नुकसान भी वही आदमी ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुँचा सकता है जो अकल रखता हो, जो समझ रखता हो, जो अच्छे से प्लानिंग करता हो। तो यहाँ पर ज़ायनिस्ट मूवमेंट्स और ज़ायनिस्ट थिंकर्स के ताल्लुक से जो बातें आएँ उससे ये मकसूद नहीं होना चाहिए कि ये अप्रिशिएट किया जा रहा है। यकीनन वहाँ पर अकल और मनसूबाबंदी और किस तरह की चीज़ों का जो तज़किरा होगा वो इस डायमेंशन से होगा कि कितनी मनसूबाबंदी के साथ एक गलत नज़रिए को, एक बातिल नज़रिए को, एक जाहिली नज़रिए को दुनिया पर मुसल्लत कर देने की और अपने जो मज़मूम मकासिद हैं, अपने जो मज़मूम मंजिल है उसको हासिल करने के लिए किस तरह से लोगों ने तगड़ो की है। इस बात पर हसर भी है हमें कि अगर ये सलाहियत इंसानों की दुनिया की तामीर और तरक्की के लिए लगती तो दुनिया का कितना फ़ायदा होता। जो हमारी गुफ्तगू है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बटी हुई होगी ताकि हम ईजीली चीज़ों को कवर कर सकें। कोशिश होगी कि सारी चीज़ें कवर हों और डिस्कशन के जो सेशन हो उससे भी हम कमा को इस्तेफादा कर सकें। पहली जो पहला हिस्सा हमारी गुफ्तगू का होगा वो ज़ायनिज़्म के मुख्तसर से तारुफ पर और हर्ज़ल से पहले का जो ज़ायनिज़्म है, यानी ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि थियोडोर हर्ज़ल ने ज़ायनिज़्म की शुरुआत की है, इस मूवमेंट की शुरुआत की है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये वो ख्यालात हैं जो 18वीं और 19वीं सदी से ही फ़रोग़ पा रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल में, और इन इन मुख्तलिफ थिंकर्स का और इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका हल्का फुल्का तस्करा पर मबनी पहला हिस्सा होगा। दूसरे हिस्से में हम थियोडोर हर्ज़ल को ज़रा तफसील से देखेंगे, उसकी ज़िंदगी और उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को और किस तरह से उसने ज़ायनिज़्म को एक बाज़ाब्ता शक्ल दी और दुनिया के स्टेज पर उसको मुतारिफ़ कराया। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा उसमें ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है हर्ज़ल के बाद उसने क्या क्या काम अंजाम दिया और किस तरह से इसराइल के क़याम की राह हमवार की, इसका मुताला होगा। उसके बाद बहुत ही मुख्तसरन उसके बाद के हालात डिस्कस होंगे और आखिर में ततीमे और ख़ात्मे के तौर पर कुछ बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहले गुफ्तगू के पहले हिस्से पर आते हैं जिसमें हमें इस बात का मुताला करना है कि ज़ायनिज़्म अपने आप में क्या है। ये एक 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 नेशनल मूवमेंट का नाम है ज़ायनिज़्म, और जिसका मकसद ये है कि जो यहूदी हैं वो हिजरत करके लौटें डायस्पोरा से या बाहर के इलाकों से अपनी सरजमीन पर, अपने होमलैंड पर जो फिलिस्तीन में वाक़ है जिसे वो इसराइल कहते हैं, और अपनी हुकूमत वहाँ पर कायम करें, यानी सॉवरेनिटी हासिल करें। इसमें इस बात पर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ायनिस्ट थिंकर्स के नज़दीक, इंक्लूडिंग हर्ज़ल के नज़दीक जो मुख्तलिफ तहरीरें मिली हैं उसमें होमलैंड पर इसरार है, फिलिस्तीन की सरजमीन पर इसरार उतना ज़्यादा नहीं मिलता है जितना बाद में पाया जाने लगा। ये वो मौजू है जिस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन एक होमलैंड यहूदियों का ऐसा ज़रूर हो जहाँ पर वो अपनी हुकूमत रखें, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें, उनका अपना निज़ाम ज़िंदगी हो, और दूसरी जगहों पर जब वो होते हैं तो वो फॉरेनर करार दिए जाते हैं, लिहाजा उनकी अपनी एक सरजमीन होनी चाहिए, वहाँ पर उनकी हुकूमत होनी चाहिए। यही जो चीज़ है ये अपने आप में ज़ायनिज़्म कहलाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत मरबूत किस्म के नज़रिए का नाम नहीं है, बल्कि ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का नाम है, जो एक ऐसे नज़रिए का नाम है जिसका मकसद एक मुल्क, एक ममलिकत का क़याम है, और ये ममलिकत एक कौमी ममलिकत होगी, और कौम से मुराद यहाँ पर यहूदी हैं, यहूदी नस्ल है, यानी एक नस्ल परस्ताना नज़रिया इसको आप कह सकते हैं, नस्ल परस्ताना नज़रिया, नस्ल परस्ताना तहरीक। ज़ायन का ये जो लफ्ज़ है ये बाइबल में भी इस्तेमाल हुआ है, उसी की तरफ इसके ओरिजिन को देखा जाता है। इसको ये बताया जाता है कि ये जो
बैत अल मक़द्दस का शहर यरूशलम जेरूशलम जिसको कहते हैं उसके सिनोनिम के तौर पर इसका यूज बाइबल में आया है, खुसूसन ज़ाम्स जो बुक ऑफ ज़ाम है उसमें। और ये बात कही जाती है ज़ायनिस्ट हज़रात की तरफ से अपने थिंकिंग को और अपने इस मकसद को सही साबित करने के लिए कि ये हमारा नया कोई मकसद नहीं है बल्कि ये पुराना हमारा मकसद है। और यहूदियों को जब जब उस सरजमीन से बेदखल किया गया है तब तब यहूद उस सरजमीन की तरफ लपकने की उनके अंदर ये एक ख्वाहिश रही है, और इसीलिए हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ज़ायनिस्ट मूवमेंट का ये कहना है, बार बार अपने आप को जस्टिफाई करते हैं 18th और 19th सेंचुरी के तमाम थिंकर्स की तहरीरों में इस तरह की बातें मिलती हैं कि ये हमारी कोई नई मूवमेंट नहीं है बल्कि हमारी जो एस्पिरेशन है अपने वतन की तरफ लौटने की, अपनी सरजमीन की तरफ लौटने की, ये हमेशा से हमें मौजूद रही है। ये एक प्रॉब्लमेटिक क्लेम है, ये भी हम बाद में देखेंगे। उनके मुताबिक अगर हम इसराइल के अलावा यानी फिलिस्तीन के अलावा कहीं और हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो ज़िंदगी हमारी डायस्पोरा की या एग्जाइल की ज़िंदगी है, सही ज़िंदगी हमारी नहीं है। ये तमाम बातें वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं। इसमें से बहुत सारी बातें एग्जैजरेटेड हैं, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे या कोई चीज़ क्लियर होने से रह गई तो डिस्कशन के सेशन में उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। एक बात जो ये अर्ज करनी है कि एंटी सेमिटिज़म यानी यहूदियों के कई जो नफ़रत को एक नाम दिया गया है, इसके अलावा यहूदियों के साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई खसूसा 18वीं और 19वीं सदी में, और जिसमें खसूसा मशरक़ी यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में यहूदियों को जो मारा गया, पीटा गया और बहुत सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ा, ये एक रीज़न बना ज़ायनिज़म के इरतका के लिए, ज़ायनिज़म की तरक्की के लिए, ज़ायनिज़म के वजूद में आने की एक वजह बना। ज़ायनिज़म का जब हम एक एक एवोल्यूशन को ट्रेस करें कि ज़ायनिज़म किस तरह से इवॉल्व होता है तो हमें बहुत सारे थिंकर्स के नाम बताए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एलिजा बिन सोलोमन ज़ालमन, रब्बी जूडा अलकलाई या रब्बी हर्ष कैलिशर, ये दो तीन नाम हमें मिलते हैं। ये इनकी जो जो ज़माना है इनका, सोलोमन ज़ालमन जो है वो 1797 में इनका इंतकाल होता है, अलकलाई जो है वो 1878 में इनका इंतकाल होता है, कैलिशर जो है इनका 1874 में इंतकाल होता है, यानी वही 18वीं और 19वीं सदी का ज़माना इनका ज़माना है। ये यहाँ से ज़ायनिज़्म की इब्तिदा हम एक तरह से मान सकते हैं कि यहाँ से यहूदी अवाम और मजहबी स्कॉलर्स के बरखिलाफ़ ये जो थिंकर्स थे इन्होंने ये बात कहनी शुरू की यहूदी राय आमा के बरखिलाफ़, यहूदी मजहबी स्कॉलर्स के बरखिलाफ़, के हमारा रिडेम्पशन, हमारी निजात तभी हो सकती है जब हम प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे। हालांकि यहूदियत का ये नज़रिया है मजहबी तौर पर कि जब मसीहा आएगा उसके बाद इसराइल का क़याम होगा या यहूदियों की रियासत कायम होगी, और तब तक ये भटकना जो है यही हमारे नसीब में है। लेकिन इन थिंकर्स ने यह कहना शुरू किया कि हमारा रिडेम्पशन हमारे प्रैक्टिकल स्टेप्स पर मबनी है और मुनहसर है, और हमें मैसियानिक एज का यानी मसीहा का सिर्फ इंतज़ार नहीं करना है कि वो आ जाएगा अपने आप में, बल्कि हमें उसके लिए कोशिश करनी है, उसके लिए माहौल को तैयार करना है। और उस माहौल को तैयार करने के लिए खुसूसन कैलिशर का ये कहना है कि हमें लैंड में यानी फिलिस्तीन की ज़मीन पर दोबारा जाकर बसना होगा और वहाँ पर खेती बाड़ी करनी होगी, उस सरजमीन को आबाद करना होगा। उस सरजमीन को कोई हमसे छीनने के लिए आ जाए तो उसके लिए, उसकी मुदाफ़ियत करने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट किस तरह से मंतरयाम पर आती है तो हम तीन फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। वो तीन फैक्टर हैं, सबसे पहले 18वीं सदी में जो एनलाइटनमेंट का ज़माना शुरू हुआ उसके बहुत सारे आइडियाज़ एनलाइटनमेंट के थे, लिबर्टी का आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया और इस तरह के जो आइडियाज़ हैं उसने जहाँ दीगर लोगों को मुतासर किया वहाँ यहूदियों को भी मुतासर किया, और यहूदी भी इन एनलाइटनमेंट के आइडिया से मुतासर होकर उन्होंने ज़ायनिस्ट शक्ल में अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, यहाँ किरदार शुरू किया। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो इसी एनलाइटनमेंट से निकलता हुआ फैक्टर है वो नेशनलिज्म का फैक्टर है कि जहाँ एनलाइटनमेंट हुआ उस ज़माने में और लोगों ने लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे आइडियाज़ को फ़रोग देना शुरू किया, वहीं पर एक आइडिया ये आया कि हर कौम की एक कौमी रियासत होती है और होनी चाहिए। तो नेशन और नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उसने यहूदियों को बहुत अपील किया, और उन्होंने कहा कि हम ऐसे नेशन हैं जिनका कोई नेशन स्टेट नहीं है, दुनिया में हर नेशन का एक नेशन स्टेट है, और हम ऐसे नेशन हैं जो नेशन इन एग्जाइल हैं। हम में से कुछ लोग रशिया में भटक रहे हैं, कुछ लोग ईस्टर्न यूरोप में भटक रहे हैं, कुछ लोग दुनिया भर में भटक रहे हैं, और जो लोग फिलिस्तीन में भी हैं वो भी अपनी एक खुद मुख्तार रियासत नहीं रखते हैं बल्कि उस्मानी सल्तनत के तहत हैं। तो हमें चाहिए कि हमारा नेशन भी, हमारे नेशन का भी एक नेशन स्टेट हो, और ये जो ख्याल हैं इन्होंने ज़ायनिज़्म का रूप इख्तियार किया। तीसरा फैक्टर जो था, जो कि बहुत इमीडिएट फैक्टर बना और बहुत ज़्यादा उसका असर रहा, वो ये कि यहूदियों पर ईस्टर्न यूरोप में खसूसा और रशिया वगैरह में भी बहुत ज़्यादा जुल्म और नाइंसाफ़ी का ज़माना है, 18वीं और 19वीं सदी का ज़माना,
20वीं सदी में हिटलर के तहत ये नाइंसाफी अपने उरूज पर पहुंचती है। ये जो तमाम नाइंसाफियां हैं, ये तमाम जुल्म-ओ-सितम हैं, इसने भी ज़ायनिज्म की तहरीक को जोर और मजबूती दी। डिफरेंट जो स्ट्रैंड्स हैं ज़ायनिज्म में, मुख्तलिफ नज़रियात जो ज़ायनिज्म के हैं, उसमें कहलाता है सोशलिस्ट ज़ायनिज्म। मोसेस हेस इसके एक शुरुआती मुफक्किरीन में से शामिल हैं। इनकी जो इनका इंतकाल 1875 में हुआ, इन्होंने रोम एंड जेरूसलम नाम से एक किताब लिखी थी और उसने अपने नज़रियात को अच्छे से बयान करने की कोशिश की थी। हर्जल ने इनको बहुत काफ़ी अप्रिशिएट किया था, इनकी इस किताब को भी अप्रिशिएट किया था, यहाँ तक कि कहा था कि अगर मैं जो हूँ वो मैं अपनी किताब नहीं लिखता अगर मुझे ये किताब पहले मिल गई होती। और हर्जल की किताब ने बहुत एक इनकलाबी रोल अदा किया है ज़ायनिज्म में, उसकी तरफ हम आगे आएंगे। तो मोसेस हेस जो लेबर ज़ायनिज्म या सोशलिस्ट ज़ायनिज्म के एक तरह से बानी किए जा सकते हैं, इनका जो नज़रिया था वो ये था कि इनकलाब ऐसे ही नहीं आएगा, यानी है कि यहूदी सिर्फ चाहें और इनकलाब आ जाए फिलिस्तीन में और यहूदियों की एक इसराइल रियासत कायम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये करना होगा कि यहूदियों को जाकर वहाँ पर बसना होगा और वहाँ की यहूदियों की जो वर्किंग क्लास है वो बिल्कुल मार्क्सिस्ट तरीके पर वहाँ पर एक इनकलाब लाए। तो एक तरह से एक सोशलिस्ट इनकलाब आएगा जो अपने आप में जेविश और ज़ायनिस्ट इनकलाब भी होगा। ये उनका बुनियादी तौर पर नज़रिया था और इससे बहुत सारे लोग मुतासिर भी हुए। चुनांचा इसराइल के जो पहले प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन थे वो भी लेबर ज़ायनिस्ट थे। चौथी प्राइम मिनिस्टर जो गोल्डा मायर, ये दोनों बड़े मशहूर हैं, ये इनका ताल्लुक ही लेबर ज़ायनिस्ट के नज़रिए से था। ये एक है जो मार्क्सिज्म और ज़ायनिज्म दोनों का एक मिक्स करके ये नज़रिया है और इसकी अपनी एक अहमियत इसराइल की तारीख में और पोलिटिकल हिस्ट्री में ज़ायनिज्म में है। दूसरे नंबर पर जो थिंकर हैं वो लियोन पिन्स्कर हैं और ये इनकी इनका जो इंतकाल है वो 1891 में हुआ। ये भी बड़े मशहूर ज़ायनिस्ट हैं और इन्होंने एक होवाइवी ज़ायन, लवर्स ऑफ ज़ायन के नाम से एक बनाया था और ये उसके फाउंडर थे, उसके लीडर थे। ये रशिया के डॉक्टर थे, रशियन फिजिशियन थे, इनका ताल्लुक रशिया से था। और ये जो हैं वो सबसे पहले इनका सजेशन था यहूदियों पर जो जुल्म-ओ-सितम होता हुआ, उन्होंने देखा कि लोगों को, यहूदियों को रशिया में एसिमिलेट होना चाहिए, रशिया की में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म किया, अपनी इस्लाह की और अपने ज़ायनिस्ट नज़रिए के आलमबरदार हुए। इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा ऑटो इमेंसिपेशन के नाम से और इसमें उन्होंने कहा कि एंटी सेमिटिज़म को एक इन्होंने नाम दिया जुडोफोबिया और इन्होंने कहा कि इसका जो इस जुडोफोबिया का यानी यहूदियों से लोगों को जो डर लगता है या जो लोगों को जो नफरत होती है उसकी वजह यह है कि यहूदियों के अंदर यहूदी बाहर रहते हैं, फॉरेन हैं, उनका अपना कोई होमलैंड नहीं है और यहूदियों के अंदर एक नेशनल कॉन्शियसनेस पैदा करने की ज़रूरत है, यहूदियों को खुद मुख्तार होने की ज़रूरत है। तो उनका होमलैंड बनना चाहिए, चाहे वो फिलिस्तीन में बने या कहीं और बने। इस बात पर उन्होंने ये बात लिखी है उन्होंने, यानी फिलिस्तीन पर उनको इसरार नहीं है उस सरजमीन पर, उन्होंने कहा कि होमलैंड ज़रूरी है, चाहे वो फिलिस्तीन में बने या चाहे कहीं और बने। और इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को पेश किया। इनकी जो तंजीम है, कहा जा सकता है कि पहली ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आर्गुएबली तो वाइवी ज़ायन करके इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इन्होंने फिलिस्तीन में हिजरत कराने के लिए लोगों को, यहूदियों को फैसिलिटेट करना शुरू किया। ज़ायनिज्म की एक किस्म रिलीजियस ज़ायनिज्म है, इसको मिज़राकी ज़ायनिज्म भी कहते हैं। इसके रब्बी सैमुअल मोहिलेवर या रब्बी यिज़क याको रेंस वगैरह इसके थिंकर्स गुजरे हैं। इन्होंने ये रिलीजियस ज़ायनिज्म की इब्तिदा की और रिलीजियस ज़ायनिज्म में यह है कि आम तौर पर यहूदी के मजहबी तबके का आज भी ये ख्याल है कि हमें इस रियासत खुद नहीं कायम करनी है, पहल खुद नहीं करनी है, बल्कि मसीहा का इंतज़ार करना है। ये लोग ये कहते थे और मजहबी बुनियादों पर ये कहने की कोशिश करते थे रिलीजियस ज़ायनिस्ट के, ऐसा नहीं है बल्कि हमें खुद प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे और मसीहा के आने के लिए माहौल तैयार करना होगा। बहुत तफसील में जाने का वक्त नहीं है, एक और जिक्र कर लेते हैं। अहद हाम नाम के एक थिंकर हैं, ज़ायनिस्ट थिंकर हैं। इन्होंने इनको कल्चरल ज़ायनिज्म का फाउंडर कहा जाता है और ये जो हैं ये पोलिटिकल ज़ायनिज्म के नाफिद रहे हैं काफ़ी दिनों तक। हर्जल पर भी इन्होंने तनकीद की है और इनका कहना था कि हम स्टेट का फौरन ख्वाब देखकर उसको नाफिज नहीं कर सकते, उसको अमल में नहीं ला सकते हैं, बल्कि हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेट की तरफ बढ़ना होगा और सबसे ज़्यादा हमें फोकस इस बात पर करना है कि एक कल्चरल रेनेसा यानी एक तहजीबी नशत सानिया के हम अलमबरदार बने, यहूदियों को मुत्तहिद करें, यहूदियों को तालीम याफ्ता करें और यहूदियों को मतलब इसराइल की सरजमीन को, फिलिस्तीन की सरजमीन को एक स्पिरिचुअल सेंटर के तौर पर देखें। ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन हम उसको स्टेट बना लें, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हिब्रू लैंग्वेज को और यहूदियों के दरमियान तालीम को, सलाहियतों के इर्तका को, इन सब चीज़ों को फ़रोग दें। यहूदियों की अपनी इसलाह की तरफ इन्होंने तवज्जो मरकूज़ की और तहजीबी तौर पर यहूदियों को एक कौम बनाने की तरफ इनका फोकस था, पॉलिटिक्स की तरफ इनका फोकस उस तरह से नहीं था। तो ये मुख्तलिफ़ किस्में थी जो ज़ायनिज़्म
के जो मुख्तलिफ ट्रेंड्स थे या स्ट्रैंड्स थे ये उनमें से कुछ बातें थी। अब मेनली ये तमाम ट्रेंड्स जो हैं ये आकर एक तरह से जम होते हैं पॉलिटिकल ज़ायनिज्म के ट्रेंड में, और असलन ये कंट्रीब्यूशन है थियोडोर हर्ज़ल का। यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं जहाँ पर हमें थियोडोर हर्ज़ल और उसके कंट्रीब्यूशन को देखना है। तो थियोडोर हर्ज़ल जो है वो उनका असल कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि उन्होंने ज़ायनिज्म का नज़रिया दिया और लोगों को उस पर जमा कर दिया, बल्कि उनका असल कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ स्टैंड्स थे ज़ायनिज्म के उनको सियासी प्लेटफॉर्म पर एक जमा कर दिया, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया, और वहाँ से तमाम जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाने थे बाकायदा एक यहूदी रियासत के क़याम के लिए, उन स्टेप्स को लेना उन्होंने शुरू किया। तो उनका कारनामा ये है, नज़रिया साज़ी उनका कारनामा उस तरह से नहीं है जितना कि अमली तौर पर उस नज़रिए को देना, यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह मार्क्स जो हैं वो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के नज़रिए को बिल्कुल साइंटिफिक तौर पर उन्होंने मरबूत कर दिया, और उसके बाद एक लेनिन आया और उन्होंने मार्क्सिज्म के उस नज़रिए को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा एक इनकलाब बरपा करने की कोशिश की, यानी उनका एक्टिविज्म वाला ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसी तरह हर्ज़ल भी ज़ायनिज्म के नज़रिए साज उन मानों में नहीं है कि ये नज़रिया पहले से मौजूद था, पिंस्कर के ज़रिए मौजूद था और उनसे पहले के जो थिंकर्स हैं उन्होंने भी मौजूद था, उसको इन्होंने एक सियासी तौर पर ढाला और उसको एक अमली तहरीक की एक मूवमेंट की शक्ल दे दी। ये हर्ज़ल का असल कारनामा है। हर्ज़ल की पैदाइश 1860 में हुई और इनकी ज़िंदगी को अगर हम तरह देखेंगे तो कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में हमें मदद मिलेगी आखिर में, इसीलिए ज़रा ठहर कर इनकी ज़िंदगी पर हम गौर कर रहे हैं। थियोडोर हर्ज़ल की 1860 में ये हंगेरी में बुदापेस्ट में पैदा हुए और इनकी जो तालीम थी वो यहूदी तालीम इनकी नहीं हुई, कल्चरल तालीम नहीं थी इनकी, इनकी जो तालीम थी वो सेकुलर तालीम इनकी हुई। ये हिब्रू ज़बान बोलते थे, यिडिश ज़बान जो रशियन यहूदियों की बड़ी ज़बान है उसको भी ये नहीं बोलते थे, बल्कि इनकी जो ज़बान थी वो जर्मन और यही सब ज़बानें इनकी थी। ये एक सेकुलर जेविश प्लेराइट और जर्नलिस्ट के तौर पर इन अपनी पब्लिक ज़िंदगी में दाखिल हुए, यानी जो जर्नलिस्ट थे सहाफ़ी थे और ड्रामे लिखा करते थे ये थे। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में इनका ये नज़रिया था कि जर्मनी जो है या जर्मन कौम ये आला तरीन कौम है और इसके लोग बड़े तहजीब याफ्ता हैं, कल्चर वो का नज़रिया ये कहलाता है कि जर्मन से ताल्लुक़ रखने वाले जर्मनी के जो लोग हैं जो शेक्सपियर का गोथे का और इस तरह के बड़े अदीबों का मुताला करते हैं वो इंसानियत की मेराज होते हैं और बड़े कल्चरल होते हैं। और पहला सजेशन जो उन्होंने यहूदियों के मसले को हल करने के लिए दिया वो बहुत निराला सजेशन था, और वो सजेशन ये था कि हमें जर्मन कौम में जम हो जाना है, एसिमिलेट हो जाना है बिल्कुल, अपनी उनका कहना है शेमफुल जेविश कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़कर, अपनी शर्मनाक जेविश कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़कर हमें बिल्कुल जम हो जाना है और कल्चर वो यानी महजब जर्मन बनने की कोशिश करनी है, उन्हीं खतूत पर महजब बनने की कोशिश करनी है। आगे बढ़कर इन्होंने ये तक भी कहा आगे ये आएगा कि कन्वर्ट हो जाना है यहूदियों को। खैर 1878 में इनका ख़ानदान जो है वो वियना में हिजरत करता है ऑस्ट्रिया हंगेरी के, यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में लॉ पढ़ते हैं। 1884 में ये पीएचडी की डिग्री डॉक्टरेट ऑफ लॉ वहाँ से हासिल करते हैं। एक साल कुछ लीगल प्रैक्टिस वगैरह इनकी जारी रहती है, लेकिन ज़्यादातर वो अपने आप को जर्नलिज्म के लिए और ड्रामा निगारी के लिए डेडिकेट कर देते हैं। जर्नलिज्म में जो एक वियना से निकलने वाला पेपर था न्यू फ्री प्रेस, ये एक इसके पेरिस कॉरेस्पॉन्डेंट की हैसियत से अपने खिदमत अंजाम देने लगते हैं, इसके लिटरेरी एडिटर भी बनते हैं। यहाँ पर भी इनके जो मौजूआत होते हैं हर्ज़ल के उनको अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि बहुत ज़्यादा सियासी मौजूआत और यहूदी मौजूआत इनके नहीं होते हैं, बल्कि नॉन पॉलिटिकल और लिटरेरी किस्म के मौजूआत को ये कवर करते हैं। फिर ज़माना आता है 1896 का और एक ड्राइफस अफेयर जो बड़ा मशहूर है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल और विकिपीडिया पर। एक अल्फ्रेड ड्राइफस नाम का एक यहूदी था फ्रांसीसी फौज में और उस पर ये इल्ज़ाम लगा, वो बड़ी ऊंची पोस्ट पर था, कैप्टन या लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह बताया जाता है के, और उस पर ये स्पाइनेज का यानी जासूसी का इल्ज़ाम लगता है और उसको सज़ा दी जाती है। तो उस इल्ज़ाम को लगने के दौरान ये इल्ज़ाम गलत लगता है, उसकी डिटेल्स आप देखिएगा कि वो इल्ज़ाम किसी पर लगना चाहिए था लेकिन इन पर लगता है, पब्लिक एजिटेट करती है और पब्लिक जो है वो नारा लगाती है डेथ टू द जीव, इस यानी यहूदी के लिए मौत को मौत की सज़ा दी जाए, उनको कन्विक्ट किया जाता है, सज़ा दी जाती है वगैरह वगैरह। ये जो पूरा एपिसोड है ये कहा जाता है कि हर्ज़ल पर ये एपिसोड असरअंदाज हुआ, बड़ा असर डाला इस एपिसोड ने, और फिर हर्ज़ल धीरे धीरे ज़ायनिज्म की तरफ मायल हुए। इससे पहले वो ऐसे थे जो जर्मन तौर पर या कल्चरल तौर पर यहूदियों को ये मशवरा दे रहे थे कि आपको एसिमिलेट हो जाना है, यहाँ तक कि मास कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ये सब मशवरे उनके थे, लेकिन ड्राइफस अफेयर के बाद वो उनकी तवज्जो ज़ायनिज्म की तरफ हुई।
ये बात कही जाती है, लेकिन इस बात पर बहुत सारे इल्मी तौर पर इश्कालात खड़े किए गए हैं। इसकी बहुत ज़्यादा मौका नहीं है, मैं कुछ सोर्सेज आपको बता देता हूँ, तफसील के लिए आप दे सकते हैं। जैसे हेनरी जे कोन हैं, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, मकाला लिखा है, थियोडोर हर्ज़ल्स कन्वर्जन टू ज़ायनिज्म। इसी तरह लैम हॉर हैं, इन्होंने एक मकाला लिखा है, इट ड्राइव्स अफेयर रियली इंस्पायर हर्ज़ल। और इसी तरह जैक्स कॉनबर्ग हैं, जिन्होंने थियोडोर हर्ज़ल पर कई मकाले लिखे हैं, थियोडोर हर्ज़ल अ रीइवैल्यूएशन या थियोडोर हर्ज़ल फ्रॉम असिमिलेशन टू ज़ायनिज्म। इन तमाम मकालात में ये बात डिस्कस की गई है कि क्या ड्राइफस अफेयर का हर्ज़ल पर उतना ही असर हुआ जितना बताया जाता है। और इसमें से कुछ मुफक्किरीन जो हैं वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ड्राइफस अफेयर का इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ था हर्ज़ल पर, बल्कि बाद में जब ड्राइफस की बेगुनाही साबित हुई बिल्कुल और ये हर्ज़ल के इंतकाल के बाद ये पूरा असर कंक्लूड होता है, तो जब और ये बिल्कुल एक कंट्रोवर्सी बन गई, तब हर्ज़ल पीछे मुड़कर ये कहते हैं कि इस चीज़ ने मुझे बड़ा मुतासिर किया था। असलन जिस चीज़ ने हर्ज़ल को मुतासिर किया, कॉर्नबर्ग ये लिखते हैं, वो गुंडागर्दी थी वियना में, एंटी सेमिटिक गुंडागर्दी थी कार्ल लोगर और वगैरह की, जो यहूदियों को सताते थे, परेशान करते थे। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में भी हर्ज़ल को बहुत सारी परेशानियों को भुगतना पड़ा था यहूदी होने की वजह से। इन तमाम चीज़ों ने उसको ज़ायनिज्म की तरफ मायल किया। तो कुल मिलाकर ये मतलब कहने का मतलब ये कि पहले पूरी जो उठान है हर्ज़ल की वो सेकुलर उठान है, उनकी कोई मजहबी उठान नहीं है, मजहबी तालीम नहीं है। वो मजहबी तालीम मतलब हिब्रू और यिडिश जमाने ज़रूरी हैं, वो भी नहीं बोल पाते हैं हर्ज़ल, तो उनकी जो पूरी तालीम और तरबियत है वो सेकुलर अपने आप में है। और उनका जो नज़रिया है वो भी बड़ा मरूब किस्म का है कि वो यहूदियों को एसिमिलेशन की दावत देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इस तरफ आते हैं कि यहूदियों को ज़ायनिज्म के नज़रिए की तरफ, पॉलिटिकल ज़ायनिज्म की नज़रिए की तरफ आते हैं। और ये एक 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 इस तरफ सजेशन देते हैं अपना कि यहूदियों का अपना एक होमलैंड होना चाहिए। और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एंटी सेमिटिज्म को, यानी यहूदियों के खिलाफ जो नफरत है उसको ख़त्म कर देना मुमकिन नहीं है, लिहाजा उससे बचना ज़रूरी है, और उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि यहूदियों का एक होमलैंड हो। उस कंक्लूजन तक वो पहुंचते हैं, चाहे इसके लिए ड्राइफस अफेयर जिम्मेदार हो या उनकी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बा जिम्मेदार हों, वो इस नतीजे तक पहुँच जाते हैं 1895 वगैरह के आसपास, 1896 के आसपास वो इस नतीजे तक पहुँच जाते हैं। 1895 में वो अपनी एक किताब लिखना शुरू करते हैं, 1896 में ये किताब उनकी पब्लिश होती है। ये बहुत बुनियादी अहमियत की हामिल है किताब, देयर स्टूडेंट स्टार्ट, प्रोनाउंसिएशन में राजीव होगा, लेकिन इसका मतलब है द जीविश स्टेट, इसी नाम से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। फरवरी 1896 में किताब पब्लिश होती है। इस किताब में वो यहूदियों की एक रियासत की वकालत करते हैं और कहते हैं कि एसिमिलेशन नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है कि यहूदी दम हो जाएं, जहां जिस कौम में हो, जिस मुल्क में हो, वहां पर दम हो जाएं, ये सोल्यूशन नहीं है, बल्कि सोल्यूशन ये है कि यहूदियों की एक आज़ाद रियासत हो और ये उनका एक होमलैंड हो, जहाँ पर वो अपने हिसाब से रहें, अपना निज़ामी ज़िंदगी कायम करें, अपनी पूरी पूरा एम्पायर कायम करें और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये होमलैंड जब तक उनका नहीं होगा तब तक उनके मसाइल हल नहीं होंगे। तो ज्यूज मसीव बीइंग नेशनल अनोमली, ये उनका सजेशन था, यानी यहूदी एक अनोमली है, एक अजीब गरीब एबनॉर्मल चीज़ है कि हर नेशन का अपना एक स्टेट है, लेकिन यहूदी एक ऐसे नेशन है जिनका कोई स्टेट नहीं है। यहूदियों को ये एबनॉर्मलिटी जल्दी ख़त्म करनी होगी। और यहूदियों का ये बात बहुत खास है, हर्ज़ल ने इस बात पर जोर दिया, बहुत इनकलाबी शख्सियत नहीं थी, बहुत प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक शख्सियत थी हर्ज़ल की। उन्होंने ये जोर दिया कि यहूदियों का ये जो स्टेट कायम होगा, ये दुनिया में जो बड़े पावर्स हैं, और उस वक्त बड़े पावर्स में ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर ये सब शामिल हैं, दुनिया के जो बड़े पावर्स हैं उनकी रजामंदी से ये स्टेट कायम होना चाहिए। वो किसी इनकलाब के अलमबरदार नहीं थे, बल्कि कंसेंट ऑफ ग्रेट पावर्स के अलमबरदार थे। उन्होंने उनका जो कारनामा यह है बुनियादी तौर पर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि नज़रिया साजी का कारनामा उनका बुनियादी तौर पर नहीं है, बल्कि नज़रिए के पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन, ये उनका असल कारनामा है, और प्रैक्टिकली उसको इंटरनेशनल क्वेश्चन बना देना ये असल कारनामा है। तो उन्होंने इस किताब में भी इस बात पर जोर दिया कि यहूदियों का जो मसला है वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है अपने आप में, और उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायमेंशन में डील करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की कोशिशें उन्होंने की बाद में। उन्होंने इस किताब में इस बात पर भी जोर दिया और ख़ुद अपने अमली इकदाम के तरीके इस बात को साबित किया कि ये सब काम हमें करने हैं तो बड़े फंड्स की ज़रूरत है, और इसीलिए हमें फंड्स चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो उन्होंने जो यहूदियों के बड़े बड़े सरमायादार थे, हर्श हैं, रॉटशील्ड हैं, या इस तरह के लोग हैं, इनसे राबता किया और अपने फंड्स वगैरह के मसाइल को हल करने की कोशिश की। और इनका जो एम था, मैंने इससे पहले ही कहा कि मॉडर्न एक स्टेट कायम करना इनका मकसद था, रिलीजियस स्टेट कायम करने का इनका मकसद नहीं था। इनकी जो पूरी उठान थी वो रिलीजियस नहीं थी, तो ये अपने आप में एक मॉडर्न न्यूट्रल सेकुलर स्टेट, जो यूरोपियन स्टाइल स्टेट है, वो कायम करना चाहते थे इसराइल के नाम पर। बहुत ज़्यादा मजहबी और थियोक्रेटिक स्टेट इनकी नज़र में नहीं था। इनके जो आइडियाज़ थे, ये जो आइडियाज़ इन्होंने दिए कि पोलिटिकल ज़ायनिज्म हो और लोग मुत्तहिद हों और फंड जमा करें और इज्तिमाई तौर पर एक यहूदी रियासत के लिए कोशिश करें, जो कि अपने आप में एक मॉडर्न और सेकुलर रियासत हो,
ये आइडियाज मजहबी तबके में बहुत ज्यादा काबिल कबूल नहीं ठहरे, मुखालफत हुई बहुत ज्यादा हर्जल की। लेकिन अवाम में, खुसूसन ईस्टर्न यूरोप के जो यहूदी अवाम थे जिनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती हो रही थी, उनमें ये ख्यालात बहुत ज्यादा मकबूल हुए और एक तरह से कह सकते हैं कि उसी तबके के कबूल आम की वजह से हर्जल ने वो मकाम हासिल किया जो यहूदी या ज़ायनिस्ट तारीख में हर्जल को हासिल है। तो इनका ये काम था, इन्होंने ज़ायनिस्ट के मुख्तलिफ स्टैंड्स को, मुख्तलिफ थिंकर्स को, मुख्तलिफ एक्टिविस्ट को जो ज़ायनिज्म के मकसद को लेकर अपने अपने तरीके पर काम कर रहे थे, उनको एक जगह जमा किया और एक कांग्रेस मुनक़िद की स्विट्ज़रलैंड में। फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस ये स्विट्ज़रलैंड में इन्होंने मुनक़िद की और ये 1896-97 की बात है। और इसके बाद इन्होंने मतलब ये वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आ गया इस कांग्रेस में। और यहाँ पर ये तय हुआ कि ये जो ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये यहूदी अवाम की एक सियासी बाजू की हैसियत से ये फंक्शन करेगी, पॉलिटिकल आर्म की हैसियत से फंक्शन करेगी। हर्जल को इस ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट चुना गया और उन्होंने एक वीकली का भी आगाज़ किया, एक न्यूज़पेपर का, जिसके ज़रिए अपने ख्यालात की इशात करें। और उन्होंने ये जो उनका एम था कि मैं बड़े पावर्स की रजामंदी के साथ एक होमलैंड हासिल करूं यहूदियों के लिए, इसकी तरफ अपने अमली इकदाम की शुरुआत की। 1902 में इन्होंने एक नावल लिखा अल्ट न्यूलैंड के नाम से। इनकी दो किताबें मशहूर हैं, एक उसका जिसका तस्करा आया 1895-6 में, इन्होंने द जीविश स्टेट के नाम से किताब लिखी थी। अल्ट न्यूलैंड ये एक नावल है जिन्होंने 1902 में लिखा, जिसका मतलब है ओल्ड न्यू लैंड। ये एक सोशल यूटोपिया इसमें पेश किया है कि हमारी रियासत जो होगी वो कैसी होगी। इसमें उन्होंने रियासत किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे होगी और किस तरह से वो पॉलिटिकली तौर पर फंक्शन करेगी, इमिग्रेशन कैसे होगा, फंड किस तरह से रेज होगा, डिप्लोमेसी क्या होगी, रिलीजन और स्टेट का आपस में जो ताल्लुक होगा वो कैसा होगा, ये तमाम बातें इन्होंने इस नावल में डिस्कस की हैं। इस नावल का भी बड़ा असर हुआ और खुसूसन अवाम ने, यहूदी अवाम ने इस नावल को बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई और इस तरह से उन्होंने इसराइल का जो विजन है उसको एक अमली शक्ल में एक नावल की हैसियत से पेश किया। जिक्र हो रहा था फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस का, ये 1896-97 में जब ये कांग्रेस होती है तो उसके बाद से ये जो हर्जल हैं वो बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल इकदाम शुरू कर देते हैं, सफ़र करते हैं फिलिस्तीन का, इस्तांबुल का, और लोगों से मुलाकात शुरू करते हैं बड़े बड़े लोगों से। चुनांचा बहुत तफसील में जाने का मौका नहीं है, लेकिन जो जर्मनी का बादशाह था कैसर, उससे मुलाकात होती है इनकी, सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात होती है, पोप से मुलाकात होती है। तो इन मुलाकातों के जरिए वो चाहते हैं कि कोई कंसेशन हासिल करें जिसमें उनको नाकामी होती है। सुल्तान अब्दुल हमीद से बड़ा सख्त किस्म का जवाब मिलता है, यानी इससे जब इनके अजायम आशकारा नहीं हुए थे, इन्होंने वो किताब नहीं लिखी थी जीविश स्टेट के नाम से और कांग्रेस नहीं बुलाई थी यहूदियों की, उससे पहले भी एक मरतबा इनका इस्तांबुल गालिबन जाना हुआ था, सुल्तान से पहले मुलाकात न हुई हो, लेकिन उस वक्त इनकी पजीराई हुई थी और इनकी इज्जत अफजाई जिस तरह एक मेहमान की जाती है वैसी की गई थी। लेकिन जब ये अजायम इनके आशकारा हो गए, हालांकि कांग्रेस जो जीविश कांग्रेस थी, ज़ायनिस्ट कांग्रेस, आजकल की तरह फेसबुक का दौर नहीं था कि बहुत ज़्यादा पता चले, लेकिन स्टेट से बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो ऑटोमन सल्तनत को इसके बारे में पता था और बड़ा सख्त जवाब सुल्तान अब्दुल हमीद की तरफ से हर्जल को दिया गया था कि हम कोई भी प्रपोजल सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। उस वक्त सुल्तान पर बिलियनों डॉलर का कर्जा था, जिसका एक बड़ा हिस्सा 20-25% हिस्सा हर्जल ने पेशकश की थी कि हम चुका देंगे अगर आप फिलिस्तीन में हमारे लिए एक जगह दे दें। स्टेट का नाम उसने नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद सुल्तान को उसके अदायन का अंदाजा था और कांग्रेस की भी खबर थी, और सुल्तान ने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि हम आपको एक टुकड़ा ज़मीन भी नहीं देंगे, ये आवाम की ज़मीन है, ये लड़कर हासिल की गई है और फिर हम इस पर खून बहाने के लिए तैयार हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से, यानी जर्मनी के बादशाह से कई मुलाकातें रहीं, सुल्तान से एक मुलाकात रही, पोप से मुलाकात रही, और यहाँ पर उनको हर्जल को अपनी चीफ में नाकामी जब मिल रही थी, तो अब रुख ज़ायनिस्ट का ब्रिटेन की तरफ हुआ जो कि दूसरा पावर था। और ब्रिटेन के कॉलोनियल सेक्रेटरी से इन्होंने मुलाकात की, जोसेफ चेम्बरलिन से, और वहाँ से उन एक सजेशन ये मिला कि हम कीनिया के आसपास एक जगह हमने देखी है और वो हम आपको देने के लिए सेटलमेंट, यहूदियों के सेटलमेंट और होमलैंड के लिए देने के लिए तैयार हैं। ये युगांडा प्रोजेक्ट कहलाया, इसको भी आप तफसील अगर चाहें तो गूगल पर और देख सकते हैं विकिपीडिया पर, कि ये युगांडा प्रोजेक्ट कहलाया, हालांकि ये इलाका युगांडा में नहीं बल्कि कीनिया के आसपास का इलाका था। तो ईस्टर्न अफ्रीका में एक जगह, बड़ी जगह यहूदियों को सेटल होने के लिए देने की बात थी जोसेफ चेम्बरलिन ने। और फर्स्ट कांग्रेस में, जब सॉरी सेकेंड कांग्रेस में, इन्होंने इस बात को पेश किया
हर्जल ने 1903 में, सॉरी सिक्स्थ कांग्रेस में हर्जल ने इस प्रपोजल को, जो युगांडा प्रोजेक्ट का प्रपोजल था कि हम ईस्टर्न अफ्रीका की एक ज़मीन, एक बड़ी ज़मीन यहूदियों के होमलैंड को के लिए देने के लिए तैयार हैं, ब्रिटेन ने ये प्रपोजल रखा, तो हर्जल को ये प्रपोजल अच्छा लगा और उन्होंने ये प्रपोजल कांग्रेस में पेश किया। कांग्रेस में मेजॉरिटी के साथ ये बात तय हुई कि हम इस प्रपोजल का जायज़ा लेंगे, इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। 295 लोग इस जायज़े के लिए तैयार हुए और इसके लिए हामी नज़र आए कि हमें ये प्रपोजल कबूल करना चाहिए। 178 लोगों ने इसकी मुखालफत की, 98 लोग ने कोई वोट नहीं दिया। कुल मिलाकर ये साबित होता है कि फिलिस्तीन बिल्कुल तय नहीं था हमेशा से कि इनका होमलैंड होगा, बल्कि इस पर मुख्तलिफ इख्तलाफात थे। चुनांचा पता नहीं मुझे बोलने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन यहूदियों ने, सहयोगियों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर डिस्कस किया है कि हमारा होमलैंड अलास्का में हो, अल्जीरिया में हो, साइप्रस में हो, कीनिया में हो, ये युगांडा के प्रोजेक्ट में हो वगैरह वगैरह। लेकिन फिलिस्तीन के इलाके से चूंकि जज्बाती वाबस्तगी भी थी, लिहाजा इस पर बिल्कुल अटल हो गए और ये बात तय पाई। लेकिन असलन जो ज़ायनिज्म का नज़रिया है वो मज़हब से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल एम्बिशन है उसकी। उस ये इससे भी साबित होता है कि खुद ज़ायनिस्ट कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि वो इन प्रपोजल्स पर गौर करे, और हर्जल जो हैं वो बड़े ही एतमाद के साथ इन प्रपोजल्स पर गुफ्तगू करना चाह रहे थे, और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे उनसे बड़े खफा थे। मिसाल के तौर पर रूस में उस वक्त यहूदियों का कत्लेआम हुआ था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि रूस के जो डेलीगेट्स थे ज़ायनिस्ट कांग्रेस में, उन्होंने सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी इस प्रपोजल की। और हर्जल का कहना था कि इन लोगों के गले में रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन ये फिर भी इस प्रपोजल से इनकार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। आखिरकार ये प्रपोजल जब 1903 की कांग्रेस से मंजूर नहीं हुआ तो ब्रिटिशर्स ने ये प्रपोजल विड्रॉ कर लिया, ये प्रपोजल हटा लिया। और उसके बाद में 1905 की कांग्रेस में, जो यहूदियों की कांग्रेस हुई सहयोगियों की, उसमें इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया गया। ये बात, ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया। 1904 में हर्जल का इंतकाल हो जाता है, और हर्जल का जो कंट्रीब्यूशन है अपनी छोटी उम्र के बावजूद ज़ायनिस्ट रियासत के लिए काफ़ी बड़ा था, और उनकी ये जो बात है कि वो उन्होंने इंस्पायर किया था अपनी दोनों किताबों के जरिए और अपने एक्टिविज्म के जरिए ज़ायनिस्ट मूवमेंट को, और इसको बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया गया इसराइल ने। उनको अपने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में इसराइल ने स्पिरिचुअल फादर ऑफ द जीविश स्टेट के तौर पर उनको रिकॉग्नाइज किया। और हर्जल का ये कहना था, जब 1896 में उन्होंने फर्स्ट कांग्रेस बुलाई थी, तो अपनी डायरी में वो लिखते हैं कि बैसल में, यानी स्विट्जरलैंड के उस इलाके में जहाँ पर मैंने फर्स्ट कांग्रेस बुलाई थी, मैंने यहूदी रियासत कायम कर दी, आई फाउंडेड द जीविश स्टेट। लेकिन अगर मैं इस बात को बहुत जोर से कहूँ आज तो लोग मुझ पर हंसेंगे, आई वुड बी आंसर्ड बाई यूनिवर्सल लाफ्टर। Perhaps in 5 years, certainly in 50, everyone will know it. शायद 5 साल में और यकीनन 50 साल में लोग जान जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये बड़ी एक ऐसी पेशगोई थी जो कि 50-51 साल बाद पूरी हुई, और बाकायदा इसराइल की रियासत जो है वो कायम हुई। तो हर्जल का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है और बहुत बुनियादी किस्म का है, हालांकि बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी था जो बाद में तय हुआ, लेकिन हर्जल ने जो बुनियाद डाली और जिस तरह से यहूदी सहयूनियत के मुख्तलिफ नज़रियात को, जो बाहम मुतजाद भी थे और बहुत सारे प्रॉब्लम थे, और यहूदी मजहबी तबके की तरफ से जिसकी मुखालफत हो रही थी, उसके बावजूद इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना और इनको एक मकसद के लिए प्रैक्टिकल तौर पर लगा देना, ये थियोडोर हर्जल का बड़ा कारनामा है जिसको इसराइल आज तक रिकॉग्नाइज करता है। ये हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा खत्म होता है जिसमें हमें थियोडोर हर्जल पर बहस करनी थी। तीसरे हिस्से में हमें ये देखना है कि थियोडोर हर्जल के बाद जो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किरदार अदा किया, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आपने किस क्या चीज़ है। तो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि डिस्कस हुआ कि ये ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर 1897 में, 1897 में कायम हुई। फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस जब बैसल में बुलाई गई तो उसमें ये ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई। इसकी हैसियत एक ऑल जेविश पार्लियामेंट की थी कि यहूदी दुनिया भर में जो बिखरे हुए हैं वो एक जगह जमा हों और तबादला ख्याल करें अपने मसाइल पर और अपने मकासद को तय करें। इसकी जो मेंबरशिप थी शुरुआत में तमाम यहूदियों के लिए थी, सारे मेंबरान को हक था वोट देने का, उन मेंबरान को जो ज़ायनिस्ट शेकल एक करेंसी है उस वो दें, यानी मेंबरशिप की एक फीस थी, जो वो फीस देगा उसको इख्तियार होगा कि वो डेलीगेशन के लिए वोट दे सके, जो जिन डेलीगेट्स को वोट मिलेगा वो फिर आखिर ज़ायनिस्ट कांग्रेस में शिरकत करेंगे। ये रूल वगैरह ये सेकेंड कांग्रेस में बना लिए गए थे किस तरह से काम किया जाएगा। डेलीगेशन के जो ग्रुप्स थे वो ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं बल्कि आइडियोलॉजी के हिसाब से तय किए गए थे, यानी मुख्तलिफ जो धड़े हैं ज़ायनिज्म के दरमियान उनको मुख्तलिफ सीटें उनकी अलॉट कर दी गई थी। 1960 में ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नाम बदलकर वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। जो ज़ायनिस्ट कांग्रेस थी वो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस हो गई, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और अब ये तय हुआ कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो मेंबरशिप नहीं लेंगे बल्कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंबरशिप होगी। ज़ायनिस्ट कांग्रेस जो है वो
ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहसें होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी डिसाइड होती है, प्रोग्राम डिसाइड होता है, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके उनका इलेक्शन होता है और इस तरह की तमाम फॉर्मेलिटीज वहाँ पर की जाती हैं। ये जो ज़ायनिस्ट कांग्रेस है इसकी मीटिंग पहली 1897 में हुई, 97 में बैसल में, जो इसका जिक्र बड़ी तफसील से आया अभी, और उसके बाद से 1901 तक हर साल ये नशस्तें हुई, उसके बाद 1903 से लेके 1913 तक हर दो साल ये नशस्तें हुई, 1921 से 1939 तक भी, बीच में वर्ल्ड वॉर वन के लिए गैप हुआ, और इसके बाद से हर 4-5 साल में ये मीटिंगें हो रही हैं। 38वीं वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस 2020 में जेरूसलम में हुई थी। ज़ायनिस्ट कांग्रेस ने अपने पहले इजलास में बैसल प्रोग्राम मंजूर किया था, और ये प्रोग्राम ये था कि हम जो हैं वो यहूदी आवाम के लिए एक पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड लीगली अश्योर्ड होमलैंड चाहते हैं। ये प्रोग्राम इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि फिलिस्तीन में हमें एक ऐसा होमलैंड चाहिए जो कि कानूनी तौर पर फीजिबल हो और पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड हो, उसको कोई बड़ा अपोजिशन ना हो, खसूसन ग्रेट पावर्स की तरफ से उसको कोई अपोजिशन ना हो। ये काम करने के लिए उन्होंने 4 बड़े प्रोग्राम तय किए अपने। सबसे पहले के यहूदियों के सेटलमेंट्स बढ़ाए जाएंगे, यानी उनकी आबादी बढ़ाई जाएगी और वो आबादी ज़रा खुद मुख्तार किस्म की होगी, तो यहूदियों के सेटलमेंट बढ़ाए जाएंगे फिलिस्तीन में, और इस सेटलमेंट में कोशिश की जाएगी कि खेती करने वाले भी हों, आर्टिसन भी हों, तिजारत करने वाले भी हों, वगैरह वगैरह। दूसरा जो प्रोग्राम था वो ये था कि जहाँ भी यहूदी रहते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, कोशिश ये की जाएगी कि उनको लोकल और जनरल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि उनकी अपनी इज्तमाईत हो, वो अकेले अकेले इंडिविजुअल तौर पर ज़िंदगी ना गुजारें बल्कि मसाइल को इज्तमाही तौर पर हल करने की कोशिश करें। तीसरी जो जो प्रोग्राम उन्होंने लिया, तीसरा प्रोग्राम दिया, तीसरा अपना एम ऑब्जेक्टिव लिया, वो ये था कि यहूदियत को, यहूदी शऊर को, कॉन्शियसनेस को, जीविश कॉन्शियसनेस को यहूदियों के दरमियान मजबूत किया जाए, उनके अंदर यहूदी होने का एहसास पैदा किया जाए, सहयूनी मकासद के लिए उनको आमादा किया जाए कि वो ये इन मकासद को अपनाएं। और चौथा उनका ये मकसद था जिस पर फौरन अमल दरामद भी शुरू हुआ, कि हम ग्रेट पावर्स जो हैं उनको आमादा करेंगे कि वो यहूदियों का जो मकसद है, जो ज़ायनिस्ट पर्पस है फिलिस्तीन में एक होमलैंड के क़याम का, उसके लिए अपना उसके लिए राजी हो जाएं, उसको फैसिलिटेट करें। तो ये जो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारी यहूदियों की ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, इसमें औरतों की ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, और तमाम यहूदियों की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उनका उनकी नौयत मजहबी हो या उनकी नौयत सोशलिस्ट हो या जैसे भी हो, वो इसका एक हिस्सा होती हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का। और इसकी जो कांग्रेस होती है वो बहस करती है इस बात पर कि ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उससे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो क्या हैं, उनको कैसे हल किया जाए, पॉलिसी प्रोग्राम बनाना, बजट तय करना, इस इलेक्शन करना, इसके जिम्मेदारान का इंतखाब करना, ये तमाम काम ज़ायनिस्ट कांग्रेस के होते हैं। तो बैसल प्रोग्राम जब एक मरतबा फाइनल हो गया तो उस पर फौरन अमल का आगाज़ किया गया, जैसा कि हमने हर्ज़ल की ज़िंदगी में देखा कि हर्ज़ल ने फंड जमा किए और माइग्रेशन को फैसिलिटेट करना शुरू किया, और साथ ही साथ बड़े जो पावर्स हैं उनमें जाकर अपनी गुफ्तगू की का आगाज़ किया और लोगों को राम करने की कोशिश की बड़े पावर्स को कि हमें फ़िलिस्तीन में ज़मीन चाहिए ताकि हम वहाँ पर सुकून और इत्मीनान के साथ रह सकें। तो ये तमाम काम आगाज़ हुए। एक बड़ी अच्छी बात, यानी उस तरह से देखें काम करने की स्ट्रेटजी, वो दिखती है हमें यहाँ पर सहयोगियों की, और वो इंस्टीट्यूशंस का क़याम है कि वो उन्होंने हर काम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशंस बनाए और लोगों को ये आज़ादी दी कि वो उन बासलाहियत लोग आएँ और उन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए इस मकसद को हासिल करने की कोशिश करें। चुनांचे हम देखते हैं कि 1899 में द जीविश कॉलोनियल ट्रस्ट कायम हुआ और इसके ज़रिए ये बात तय हुई कि यहूदियों के सेटलमेंट्स जो फिलिस्तीन में बने उनको फाइनेंशियल तौर पर उनकी हेल्प की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी। ऑटोमन एम्पायर में जो ये फिलिस्तीन है उसमें जेविश सेटलमेंट्स को कायम करने के लिए जो फंड दरकार है वो फंड फराहम किया जाएगा इस ट्रस्ट के जरिए। फिर एंग्लो फिलिस्तीन बैंक का क़याम हुआ 1902 में और उसके ज़रिए भी फ़ंड फराहमी के लिए मुख्तलिफ किस्म की आसानियाँ फराहम की गई। 1901 में फ़ंड की तरफ एक और इकदाम हुआ और जेविश नेशनल फ़ंड का क़याम हुआ ताकि फ़िलिस्तीन में इंडिविजुअल लेवल पर ज़मीनें खरीदी जा सकें और उसको सेटलमेंट में शामिल किया जा सके। हर्ज़ल जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया था ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उसने यहूदियों के मसले को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया और ग्रेट पावर्स वगैरह से मुलाकातें शुरू की, ये बात हम इससे पहले देख चुके हैं। तो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने डिप्लोमेटिक तौर पर जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर से गुफ्तगू जारी रखी, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुई, ये बात हम मुताला कर चुके हैं।
ब्रिटेन से उन्होंने बातचीत शुरू की और ये बातचीत सक्सेसफुल रही। ब्रिटेन के साथ ही अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए जो चौथी ज़ायनिस्ट कांग्रेस थी 1900 में वो लंदन में बुलाई गई। यहूदियों ने जो ब्रिटेन के साथ ब्रिटिश पावर के साथ जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने सजेशन दिया कि आप साइप्रस में या सिनाई पेनिनसुला में या और युगांडा में अपने होमलैंड बना लीजिए। इस तरह की बहुत सारे सजेशन आए जिन पर गौर भी हुआ मुख्तलिफ कांग्रेस में, ये बात हम देख चुके हैं। 1904 में हर्ज़ल का इंतकाल होता है और दूसरा डेविड बॉफसन जो है वो नए प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, लेकिन काम जो है वो जारी रहता है। तो प्रैक्टिकल वर्क जो फिलिस्तीन में जारी था वो जारी रहता है। यहूदियों के दूसरी जगहों से फिलिस्तीन आने को आलिया कहते हैं उनकी अपने रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में। तो ये आलिया जो है इसको फरोग देते हैं वो लोग, इसके इसको आसान बनाते हैं, इसके लिए फंड हमवार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। इंस्टीट्यूशंस का क़याम जारी रहता है। 1907 में एक इरित्स इसराइल ब्यूरो कायम होता है और फिलिस्तीन में जो भी काम होते हैं यहूदियों के सेटलमेंट के उसको ये मॉनिटर करता है। इसी तरह इसराइल लैंड डेवलपमेंट कंपनी 1909 में कायम होती है, ये भी अपना काम करती है। तो ब्यूरो ज़ायनिस्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करना शुरू करता है। तो बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस वो बनाते हैं और उसको सक्सेसफुली फंक्शन ये इंस्टीट्यूशंस करने लगते हैं। 1920 में जाकर यूनाइटेड इसराइल अपील कायम होता है और इसका मकसद भी फंड हासिल करना होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और ताकि जो यहूदी सेटलमेंट्स आबाद हैं फिलिस्तीन में उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके, उनकी हेल्थ के लिए काम किया जा सके, उनकी एजुकेशन के लिए काम किया जा सके और इस तरह की चीज़ें की जा सकें। वाइज मैन जो है एक ज़ायनिस्ट कायम वाइज मैन, ये ब्रिटेन से ताल्लुक था इनका और ये ब्रिटेन के साथ गुफ्तगुशनीद में इन्वॉल्व थे और इन्होंने इस बात ब्रिटेन को ब्रिटिश हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी कराई कि आप अगर यहूदियों का साथ देते हैं और फिलिस्तीन में उनके होमलैंड के लिए राह हमवार करते हैं तो यहूदी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। इससे पहले जिक्र आया कि हर्ज़ल ने यह प्रपोजल ऑटोमन एम्पायर के सामने भी रखा था कि हम फाइनेंशियली आपको मदद करेंगे, आपके कर्जे चुका देंगे। जर्मनी के साथ भी इस तरह की बहुत सारी गुफ्तगुशनीद करने की कोशिश की थी लेकिन ये वहाँ कामयाब नहीं हुई। अलबत्ता वाइजमैन के इनिशिएटिव्स ब्रिटेन में कामयाब होने लगे और ब्रिटेन जो की जो हुकूमत थी उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और मुख्तलिफ किस्म के प्रपोजल दिए हम देख चुके हैं। आखिर में 1917 में जाकर वाइजमैन के जो एफर्ट्स हैं पहली जंग अजीम में जब उनको साथ मिलता है खूब सारा यहूदियों का, तो उसके बाद एक बैल्फर डिक्लेरेशन सामने आता है, एक खत है जो नवंबर 2, 1917 को लिखा गया है जिसमें ये बात मंजूर की गई है कि बरतानवी हुकूमत जो है वो इस बात को फेवर देती है या फेवर के साथ इस बात को देखती है या काबिल तहसीन समझती है कि फिलिस्तीन में यहूदियों का एक नेशनल होम बनाया जाए और इस बात को वो अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। तो ये चीज़ वहाँ पर पेश एक रिकॉग्निशन इसको मिल जाता है। 1904 से 1914 तक जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलते हैं उसके नतीजे में 40,000 के करीब यहूदी फिलिस्तीन में आकर आबाद होते हैं। ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है और सिस्टमेटिक सेटलमेंट बनाए जाते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 का जिक्र आया और आखिरकार ये सब बैल्फर डिक्लेरेशन पर मुंतज होता है। 1917 से 1920 तक फिलिस्तीन में मार्शल लॉ लगा होता है, ऑक्यूपाइड एनिमी टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इसके तहत हुकूमत होती है वहाँ पर। लेकिन 1920 से 1948 तक ब्रिटेन के मैंडेट में इंतदाब में फिलिस्तीन को दे दिया जाता है और ब्रिटेन जो है वो पूरी पूरे खुलूस के साथ वो सहयूनी अजायम को बराबर करने के लिए अपनी खिदमात पेश कर देता है। चुनांचा उसने बैल्फर डिक्लेरेशन को, जो कि उसकी हैसियत कुछ ज़्यादा नहीं थी, ये खत की हैसियत थी, भले वो एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरफ से लिखा गया था और हुकूमत की तरफ से एक वादा था उसमें, लेकिन उसको लीग ऑफ नेशन के रेजोल्यूशन में सन 1922 में जिक्र हो जाता है उसका, जिससे वो एक बाबा एक तरह की कानूनी हैसियत उसको हासिल हो जाती है, मैंडेट डॉक्यूमेंट में वो शामिल हो जाता है और फिर एफर्ट्स शुरू होते हैं कि किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाए कि फिलिस्तीन में यहूदियों का एक होमलैंड बनाया जाए। मैंडेट की जो पॉलिसी थी अगर हम देखेंगे इसको, हालांकि बड़ा कंफ्यूजन है ये कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर के किस तरह से टुकड़े कर दिए गए और फातिहीन ने अपने दरमियान तकसीम कर लिया, उसको मैंडेट का नाम दिया। तो ये मैंडेट की जो लैंग्वेज थी उसमें ये था कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग सेल्फ गवर्नेंस के लिए काबिल हो जाएं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काबिल हो जाएं और इनको जल्द से जल्द शहरी हकूक दिए जाएं। लेकिन इस तरह की कोई कोशिश नहीं की ब्रिटेन ने और 92% अरब पॉपुलेशन को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी तमाम कोशिशें जो हैं वो बस 7-8% जो यहूदी थे उनकी तरफ मरकूज रखी। उस ज़माने में यानी 1918 में जब ब्रिटेन का तसल्लुत शुरू हुआ फिलिस्तीन में तो अरब की जो आबादी थी वो 610,000 कह लीजिए, इतनी आबादी थी उनकी 610,000, लेकिन जो यहूदियों की आबादी
अभी भी तमाम तर इमिग्रेशन के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो जायनिस्ट मूवमेंट थी वो 50-55 हज़ार के आसपास ही थी, यानी 92% पॉपुलेशन जो उस जमाने में थी वो अरबों की पॉपुलेशन थी। लेकिन ब्रिटेन ने ये तमाम चीज़ें नज़रअंदाज करते हुए, फिलिस्तीनियों के हकूक नज़रअंदाज करते हुए यहूदियों को तमाम चीज़ें फैसिलिटेट करनी शुरू कर दी, और हाई कमिश्नर जो ब्रिटेन के थे उन्होंने फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम करने और यहूदियों को हर तरह की सहूलतें फराहम करने का काम शुरू किया। ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने अपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नए नए बनाए, उन तमाम की तफसीलात में जाने का मौका नहीं है। तो कुल मिलाकर 1948 तक 438,000 यहूदी मजीद जो हैं वो आते हैं 1918 से लेकर 1948 तक, और जो पॉपुलेशन है यहूदियों की 1918 में 50,000 के आसपास होती है वो 1948 में जाते जाते 646,000 के आसपास वो पॉपुलेशन हो जाती है। उसके बावजूद फिलिस्तीन का इतनी तमाम तवादों के बावजूद फिलिस्तीन की ज़मीन का सिर्फ 6% हिस्सा उनके पास था। ये आदाद शुमार एक बार फिर हम देखेंगे। यहूदी अपने जो इंस्टीट्यूशंस कायम करते हैं वो पहले बड़े तामीरी किस्म के इंस्टीट्यूशंस थे, लगता था कि ऐसा लग सकता है किसी को कि यहूदियों के अपने जो मसाइल हैं सेटलमेंट के उनको हल करने के लिए कायम हो रहे थे, लेकिन अब जो इंस्टीट्यूशन कायम होने शुरू हुए यहूदियों के खुसूसन बरतानवी इंतदाब के दौर में वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस भी थे, और यहूदियों ने अपनी मिलिशियाज बनानी शुरू की, कई सारी मिलिशियाज उन्होंने बनाई और उसके ज़रिए टेरर फैलाना शुरू किया, अरबों को डराना, अरबों को कुचलना, अरबों की आबादी खाली कराना वगैरह वगैरह। तो टेररिज्म को उन्होंने एक मेथड के तौर पर अडॉप्ट किया। इस ज़माने में एक मुख्तसर सा तस्करा इस बात का कि इसी ज़माने में अरबों की तरफ से भी मुज़ाहमत का दौर शुरू हुआ। 1918 से 1929 के ज़माने में ये मुज़ाहमतें पीसफुल रहीं, पीसफुल रेसिस्टेंस का जो तरीका था, हुकूमत को मुतवज्जा करने का तरीका, लेटर्स लिखने का तरीका, एहतजाज करने का तरीका, ये तरीका अपनाया गया। उसके बाद से अलबुराक अपराइजिंग जो 1929 में हुई, उसके बाद से 10 साल तक 1939 तक मुख्तलिफ आम रेसिस्टेंस का दौर रहा। 1936 में तो बावत आपता बगावत थी हो गई, बहुत सख्त किस्म की बगावत जिसको ब्रितानिया ने बड़ी बुरी तरह कुचला, और 39 से 47 के दरमियान बड़ा ख़राब दौर रहा जिसमें वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, मुज़ाहमत को और मुखालफत को और आम रेसिस्टेंस को कुचला भी जा रहा था, और यहूदी मिलिशियाज का अपना टेरर भी वहाँ पर जारी था। ये तमाम चीज़ें चलती रहीं हत्ता के जो है वो 1948 में जाकर इसराइल कायम हो गया। यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, चौथे हिस्से पर, जहाँ पर हमें ये बात बहस करनी है कि इसराइल के क़याम जो हुआ उसके बाद से क्या क्या हुआ, और बहुत ही मुख्तसर हम इस बात का तस्करा करेंगे, ज़रा भी तफसील का ना वक्त है ना गुंजाइश है। तो ये बात के 1918 में हम ये बात देख चुके हैं कि यहूदियों की आबादी फिलिस्तीन की मुकम्मल आबादी का 1.56% लैंड जो है 1918 में यहूदियों के पास था, 98% से ज़्यादा ज़मीन अरबों के पास थी। 1948 में 6.6% लैंड जो है वो यहूदियों के पास था, अरबों के पास अब भी तमाम तर मुखालफतों के बावजूद 93% से ज़्यादा ज़मीन फिलिस्तीन की थी। 1918 में यहूदियों की आबादी तमाम तर माइग्रेशन और जो 1880 से लेके जारी था और अब तक 1918 तक चला था, फर्स्ट आलिया और सेकंड आलिया, 50-55 हज़ार की पॉपुलेशन उनकी थी, अरबों की पॉपुलेशन 6 लाख के आसपास थी, यानी 8% थे यहूदी 1918 में और 91 से ज़्यादा थे अरब 1918 में। 1948 में बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको जो मिली और इंस्टीट्यूशन कायम हुए, टेररिज्म हुआ, अरबों को निकाला गया, ब्रिटेन ने पूरी मदद की, तो 646,000 यहूदियों की आबादी हुई वहाँ पर 1948 में, ये 31% आबादी है, और अरब जो हैं वो अभी 13,90,000 थे और 68% आबादी उनकी थी। यूएन ने जो पार्टीशन प्लान बनाया, यानी ब्रिटानिया ने ये यूएन को दे दिया ये मसला सॉल्व कीजिए, यूएन ने रेजोल्यूशन 181 में जो टू स्टेट सोल्यूशन दिया, 2 नवंबर 1947 को उन्होंने ये तय किया कि फिलिस्तीनी सरजमीन का 54.7% जो है वो यहूदियों को दिया जाएगा 54%, जबकि उनकी आबादी जो है वो 32% ही थी, और अरबों को 44% हिस्सा मिलेगा हालांकि 68% आबादी की थी, और जेरूसलम जो है वो एक इंटरनेशनल सिटी होगा। ये अपने आप में बड़ा गलत फैसला था, ना इंसाफी पर मबनी फैसला था, इसकी मुखालफत हुई, अरबों ने तो मुखालफत की ही की, यहूदियों में भी बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की, अलबत्ता ज़्यादातर ने इसका सपोर्ट किया, मुफ्त जो चीज़ मिल जाए जितनी मिल जाए उतनी बेहतर होती है, तो उन लोगों ने इसका सपोर्ट किया, और 15 मई 1948 को इसराइल ने अपने इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। फिर इस पर जंग हुई, अरबों ने इंटरवीन किया, इजिप्ट है, जॉर्डन है, इराक़ है, सीरिया, बहुत सारे अरब ममालिक आए, लेकिन नाकाम साबित हुए और इसराइल ने जंग में फतह हासिल की। इसराइल की जो अपनी मिलिट्री थी
जो पैरामिलिट्री फोर्सेस उन्होंने बनाई थी उस दौर में, मिलिशियाज बनाई थी, वो सारी चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ़ थी जोग्राफियाई हालात से, और उनकी प्लानिंग अच्छी थी और बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, और अरब की जो आर्मीज थी उनको उन्होंने बड़ी बुरी तरह हरा दिया। और इस जंग के नतीजे में उन्होंने फिलिस्तीन की 54% नहीं जो यूएन ने दी थी बल्कि 78% ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया इसराइल ने। उसके बाद से कत्ल गारतगिरी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और बहुत सारे कत्लेआम हुए 1947 से लेके 1955-56 तक। हम जब देखें विलादत शेख, देर यासीन, फिलकीलिया, कुफ कासिम, खान यूनुस वगैरह वगैरह, बहुत सारे कत्लेआम हुए जहाँ पर सैकड़ों फिलिस्तीनियों को इन्होंने मार दिया और करोड़ों लाखों फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस कर दिया। इन कत्लेआम में जो 1948 से शुरू हुए, इससे पहले के जो हुए वो तो अलग हैं, जो 1948 से शुरू हुए उनमें 13,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 9,26,000 के करीब, या बाद एस्टिमेट के हिसाब से 15-20 लाख के करीब जो लोग हैं वो डिस्प्लेस कर दिए गए फिलिस्तीनी आबादी के लोग। 1948 से सिलसिला शुरू हुआ, 56-57 तक ये सिलसिला जाता है बल्कि और आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर ये जो 10 से 12-13 लाख का एस्टिमेट है कि इतने लोग डिस्प्लेस वहाँ पर कर दिए गए, बहुत ज़्यादा यहूदियों की बाज आबादकारी के लिए गुंजाइश निकाली गई। 1967 में फिर जो है वो एक जंग होती है और जो बाकी बचा इलाका था, यानी 78% तो पहले ही इन्होंने हासिल कर लिया, बाकी इलाके पर भी कब्जा कर लेते हैं और मजीद बहुत सारे लोगों को, 2-3 लाख के करीब मजीद लोगों को ये फिलिस्तीन से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। 67 की जंग में भी इसराइल फतेहयाब होता है, इसको 6-डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 73 में इसराइल के साथ जो जंग होती है, बहुत बड़ी जंग नहीं थी है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल को कुछ मुंह की खानी पड़ती है, अलबत्ता अल्टीमेटली वो जीत जाता है, अपनी उस शुरुआती हजीमत की झेप इस तरह से मिटाता है कि वो साबरा और शतीला में कत्लेआम करता है जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। 1987 से एक नए दौर का आगाज़ होता है जब हमास इस्लामी तहरीक कायम होती है शेख अहमद यासीन की क़यादत में और फर्स्ट इंतफादा शुरू होती है जिसमें अवामी तहरीक है, सारी अवाम उठ जाती हैं, मुखालफत करती हैं और टीवी का दौर शुरू हो चुका है तो लोग देखते हैं कि किस तरह से मुज़ाहमत हो रही है, टैंक आ रहे हैं, बच्चे पत्थर लेकर खड़े हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करती हैं इसराइल के लिए। इसराइल को मुआहदे की सरजमीन पर आना पड़ता है और 1993 में ओस्लो का मुआहदा होता है जिसमें गाज़ा और वेस्ट बैंक में, वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से में फिलिस्तीन के तसल्लुत को, उनकी हुकूमत को किसी न किसी हद तक म्यूनसिपल सतह कह लीजिए, हुकूमत तो बाज़ाब्ता नहीं कहा जाएगा उसको, तस्लीम किया जाता है। तारीख आगे बढ़ती है, 2000 से 2005 तक दूसरी इंतफादा और फिर उसके बाद हम हाल में आ जाते हैं जिसकी तफसील का मौका बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो कत्लेआम को एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है और ये चीज़ें हमने देखी कि किस तरह से वो वायलेंट तौर पर अपने मकासद को हासिल करते हैं। ये इतनी तमाम चीज़ें बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है, अब हम अपने आखिरी कंक्लूडिंग हिस्से में हैं। ये तमाम जो गुफ्तगू हुई है उससे हम जो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो ये है कि चीज़ों को हमें सियाख में पढ़ना चाहिए। तो उसको ज़ायनिस्ट मूवमेंट को भी जब हम पढ़ेंगे या उसका मुताला करेंगे तो पाएंगे कि एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है जिसमें ज़ायनिस्ट मूवमेंट आई और बहुत सारी बातें यहाँ बताई जाती हैं वो सही नहीं है, रिलीजियस कंटेक्स्ट और बाकी सारी चीज़ें, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल और नेशनलिस्ट मूवमेंट है, रेसिस्ट मूवमेंट है और यही इसकी असल पहचान है। दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो ये, और ये भी एक बड़ा सबूत है कि किस तरह से सियाख अपनी अहमियत रखता है, वो ये कि किस तरह से ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने होमलैंड के लिए फिलिस्तीन के अलावा दीगर जगहों को भी कंसिडर किया है, इससे ये बात और ज़्यादा पता चलती है कि वो सिर्फ एक नेशनलिस्ट तौर पर एक नेशनल होमलैंड की तलाश में थे। मजहबी आर्गूमेंट जो है वो सेकेंडरी आर्गूमेंट है जो जज्बात को बरंगेख्ता करने के लिए और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए जज्बाती तौर पर रेज किया जाता है। चुनांचे उन्होंने घाना, युगांडा, अलास्का, अल्जीरिया, न जाने कितने कितने जगहों पर बहस की है कि ये हमारा होमलैंड हो सकता है। कंक्लूजन फिलिस्तीन का इसलिए उनके लिए मुनासिब है कि इससे जज्बात भी वाबस्ता है। तीसरी बात, अगर मजहबी आर्गूमेंट नहीं है वहाँ पर बुनियादी तौर पर तो आर्गूमेंट बनता है एंटी सेमिटिज्म, यानी जो जुल्म हुआ है यहूदियों के साथ खुसूसन ईस्टर्न यूरोप में 18वीं-19वीं सदी में। लेकिन जब ये जुल्म वजह है कि यहूदियों को एक होमलैंड चाहिए तो फिलिस्तीनियों की क्या गलती है? ऑटोमन एम्पायर में, मुस्लिम दौर हुकूमत में जो उससे पहले भी था, और फिलिस्तीन में यहूदियों के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ है, तो जुल्म कोई दूसरा करे और भुगते कोई दूसरा, ये लॉजिक जो है ये काम नहीं करता है। इसीलिए रिलीजियस आर्गूमेंट लाया जाता है कि हमें तो वहाँ जाना ही था, मतलब कोई मुझे थप्पड़ मारे और मैं किसी तीसरे आदमी को कत्ल ही कर दूँ, यानी एक तो मजलूम का खुद जालिम बनना जायज़ नहीं है कि जो आदमी जुल्म कर रहा है उससे आप उससे बढ़कर जुल्म कर दें, लेकिन कुजा ये कि आप जालिम के साथ कुछ भी करने के बजाय किसी तीसरे को मजलूम बना दें, ये तो कहीं से ये लॉजिक फिट नहीं करता है। तो और इससे ये पता चलता है इस पूरी तारीख का मुताला करने पर कि ये नज़रिया मजहबी नहीं बल्कि एक नस्ल परस्ताना नज़रिया है, ये नज़रिया मजहबी नहीं बल्कि एक दहशत गर्दाना मकासद के तहत
ये काम करता है, मजहबी नहीं है, ये पूरा एक सेकुलर प्रोजेक्ट है जो मजहब को इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह से हिंदुत्व अपने आप में एक मजहब नहीं है बल्कि इसके जो ज़्यादातर आइडियोलॉग्स हैं वो एथीस्ट हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ के भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं हर्जल इंक्लूडिंग, वो मजहब में उतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, मजहब में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे। हत्ता के जायनिस्ट के कई थिंकर्स ने, पिंस्कर भी शामिल है जिनमें, और हर्जल खुद शामिल हैं, इन्होंने मास कन्वर्जन के सजेशन भी दिए हैं यहूदियों के मसलों को हल करने के लिए। फिर हर्जल के खुद बेटे ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये जो चीज़ें, इससे पता चलता है कि ये अपने आप में एक सेकुलर और नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट है। क्या सीख सकते हैं हम? यकीन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सीख सकते हैं, सिर्फ तीन पर हम फोकस करेंगे। इस पूरी तारीख का मुताला करने से और कुरान की उस आयत को पेश नज़र रखने से जिसमें कहा गया है कि तुम पर मुसीबत आई है तो इससे पहले जो कुफ्फार हैं उन पर भी मुसीबत आ चुकी है, और वो अल्लाह ताला से उस चीज़ के उम्मीदवार नहीं है जिसके तुम उम्मीदवार हो। यानी कुर्बानी के मामले में हमें ज़्यादा होना चाहिए। जो बातिल परस्त हैं, जो जाहिली ताकतें हैं, उनको जो उम्मीदें हैं वो इसी दुनिया तक वाबस्ता हैं। उसके बावजूद वो जो कुर्बानियाँ देते हैं, जो डेडिकेशन है, तो ये हमें शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है कि हमें अल्लाह ताला से उसकी रज़ा की उम्मीद है, उसकी जन्नत की उम्मीद है। तो हमें किस कदर कुर्बानियों का और किस तरह की चीज़ों का मुताहरा करना चाहिए? तो ज़ायनिस मूवमेंट का मुताला करने से ये बात हमें पता चलती है कि उनका जो डेडिकेशन है वो बहुत कमाल का है, और जिस तरह से उनके अफराद ने तालीम के मैदान में वो आगे बढ़े, अपना करियर बनाया, सलाहियतें डेवलप की, और अपनी उन सलाहियतों को अपने मकसद को हासिल करने में लगा दिया, ये वो चीज़ है जिससे अहले हक को सबक हासिल करना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए कि बातिल इतनी कुर्बानियाँ बातिल के रास्ते में देने के लिए आमादा है और अहले हक जो है वो आपस के झगड़ों में उलझे हुए हैं। तो ये जो डेडिकेशन है इसमें हमारे लिए सबक है। जो मनसूबाबंदी है उनकी, उसमें हमारे लिए सबक है कि किस तरह से ज़ीरो से उन्होंने शुरुआत की और अपने काम को हासिल करते चले गए। मकसद उनका गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं नहीं इस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह मनसूबाबंदी के साथ उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया उसमें हमारे लिए सबक है कि किस तरह से हम अपनी मईशत को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से फंड लाएंगे, दुनिया मुखालफत करेगी, इतना नाजायज़ काम हम करेंगे कि दुनिया मुखालफत करेगी, किस तरह से हम प्रोपेगेंडे के जरिए उसको मनाएंगे, किस तरह से मीडिया को अपने कब्जे में करेंगे, ये जो मनसूबाबंदी है इसमें भी एक सबक है। और उनके इत्तेहाद में कि आपस में उनके दिल फटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मकसद को तय करके, अपने आप को मुनज़्ज़म करके, इज्तिमाई काम करना और इफ़िशेंसी के साथ करना, ये भी हम जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट की पूरी तारीख है उससे ये सबक हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं दोहरा लूँ कि उनका नज़रिया गलत है, उनके मकासद गलत हैं, उनकी अखलाकी कदरें भी गलत हैं, उनका तरीक़ेकार भी जो उनकी अखलाकी कदरों से निकलता है बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन उसके बावजूद जो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, जैसा कि बनाव और बिगाड़ में मौलाना मौदूदी बयान करते हैं कि दुनिया में कामयाब होने के कुछ उसूल होते हैं, और चाहे बातिल उन उसूलों को अपनाए या अहले हक उन उसूलों को अपनाए, उन उसूलों को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है कामयाबी के लिए। हाँ, फ़र्क यह है कि जब अहले बातिल उन उसूलों को अपनाएंगे और अपना निज़ाम कायम करेंगे तो उस निज़ाम के ज़रिए ज़ुल्म सितम का पूरा निज़ाम कायम होगा, अहले हक जब उन उसूलों को अपनाएंगे और अपना निज़ाम कायम करेंगे तो उसके ज़रिए दुनिया में खुशहाली आएगी, तो ज़रूर है, लेकिन गलबे के पैरामीटर्स नहीं बदलते। कि अहले हक सिर्फ चाहें और दुआ कर दें और वो काम हो जाए और अहले बातिल को मेहनत करनी पड़े, नहीं, मेहनत तगादा और तमाम जो उसूल हैं वो सबके लिए यकसा हैं, ये दुनिया दारुल असबाब है। लिहाजा इस मामले में हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और मुताला कर सकते हैं, तो ये इस पहलू से भी ज़ायनिस्ट मूवमेंट का मुताला जो है वो एक मुफीद मुताला अपने आप में है। बाकी ये बात अपनी जगह है कि इनकी जो शनाख्त है उसको उजागर करना, जिस तरह से मीडिया पर इन्होंने प्रोपेगेंडे की चादर उड़ाई रखी है उसको चीरना और असल हकायक को लोगों के सामने लाना, ये भी अपने आप में ज़रूरी है। आखिरी बात जो मुझे अर्ज़ करनी है वो ये कि मायूस होने का मकाम नहीं है। यानी कई बार बात ये आई कि उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की और अपनी काबिलियत की बिना पर, मनसूबाबंदी की बिना पर, डेडिकेशन की बिना पर कामयाबी हासिल की, जंगों में हराया और वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बावजूद मायूसी का मकाम नहीं है। मैंने अपनी गुफ्तगू जो शुरू की, इस आयत से शुरू की कि गम ना करो, डरो मत, परेशान ना हो, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो ये जो ईमान है, अगर उसके साथ साथ हम वो तमाम काम करते हैं, अगर हम मायूस नहीं होते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं और जो डेडिकेशन की बात है, कुर्बानी की बात है, मनसूबाबंदी की बात है, उसमें आगे आते हैं तो बहुत कुछ किया जा सकता है। 57-58 मुस्लिम ममालिक जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, हुकूमतों की सतह पर बहुत कुछ किया जा सकता है, मिलिट्री अलायंस की बात हो सकती है या और भी सैंक्शंस की बात हो सकती है, बहुत सारी कुछ, इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जिसमें लोगों को हकायक से बाखबर करना है, प्रोपेगेंडे की चादर तोड़ना है, बायकॉट करना प्रोडक्ट्स का, और इस तरह के बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो ये मायूसी का मकाम नहीं है, एफर्ट्स का मकाम है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अच्छे मकासद के लिए डेडिकेट करना, उसके लिए कुर्बानी देना, अच्छा मनसूबा बनाना, मिलजुल कर अपने आपसी अख्तिलाफात को, मसलकी अख्तिलाफात को अपनी जगह रख कर, यानी उनका जो मकाम है
उनकी जो अहमियत है वहीं तक वो रहें, उससे ज़्यादा अहमियत ना हासिल करें, और जो मिलजुल कर काम करने का है, पूरी उम्मत पे काम करने का है, उसमें कॉन्सेंट्रेट अगर हम करेंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि जो बातिल है उसको शिकस्त न दी जा सके। बातिल के जो फाउंडेशंस हैं वो बहुत फुर्दिले होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके दिल आपस में फटे होते हैं। अगर अहले हक की तरफ से जहां उनको मुज़ाहमत का सामना होता है, ऐसी मुज़ाहमत जो ईमानी क़ुव्वत से और असबाब की क़ुव्वत से और तवक्कुल की क़ुव्वत से स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसी मुज़ाहमत का सामना वो नहीं कर सकते। इसका एक नमूना इंतफाज़ा अव्वल और दोवम और अभी भी हम देख सकते हैं जो हालिया मुज़ाहमत हुई है, कि नुकसानों से फतह और शिकस्त को नहीं नापा जाता है बल्कि अजायम से फतह और शिकस्त को नापा जा सकता है। और अजायम अगर हम देखेंगे तो जो बातिल क़ुव्वतें हैं उनके अजायम जो हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, और जो अहले हक़ होते हैं जो ईमान की क़ुव्वत से लबरेज़ होते हैं उनके अजायम पुख्ता होते हैं और उनको खुदा पर यकीन होता है। और इन अजायम और खुदा पर यकीन के साथ साथ अगर गलबे हक़ के लिए जो काम अंजाम देने हैं, जो मनसूबाबंदी, जो डेडिकेशन, जो काबिलियतें पैदा करनी है, और जिस इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ के साथ एक मकसद के लिए डेडिकेट होकर काम करते चले जाना है, वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाएं, तो इंशाअल्लाह अहले हक़ को फतह हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये चंद बातें थी, मुझे अर्ज़ करनी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो बातिल के तसल्लुत को टेम्प्ररी और अहले हक़ के गलबे को परमानेंट बनाए। जज़ाकअल्लाह व आख़िर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह खैर। ये थे ब्रदर खान यासिर। सामईन से गुजारिश है, अगर किसी को कोई सवाल है तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर को होस्ट हैं, उनको आप डायरेक्टली सवाल भेज सकते हैं। कुछ क्वायरी वगैरह है तो डायरेक्टली आप जो है सवाल कर सकते हैं। सवाल का टाइम थोड़ा है हम लोगों के पास। एक सवाल आया है, इम्पोर्टेंट लेसन्स बीइंग एन इंडियन मुस्लिम दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट मूवमेंट ऑफ हमास, व्हाई देयर इज अ मिसकंसेप्शन अमंग मुस्लिम उम्मा रिगार्डिंग हमास। कुछ इसके ऊपर तफसील अगर थोड़ी सी बोले तो। जी, हमास अपने आप में एक आज़ादी की तहरीक है जो वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, और जो जुल्म सितम उन पर हुआ है और वायलेंट तरीके से हुआ है 1948 ही नहीं बल्कि उससे पहले से, यानी 1918 से आप ये ट्रेस कर सकते हैं। उससे पहले तक आमतौर पर वायलेंस के जो वाक़ात थे वो छुटपुट थे और स्पॉन्टेनियस थे, लेकिन प्लान्ड वायलेंस जो शुरू हुआ है वो 1918 में ब्रिटेन की निगरानी में यहूदी मिलिशिया के जरिए शुरू हुआ है, और ये सिलसिला आज तक जारी है। पहले वो मिलिशिया थे तो वायलेंस की एक हद थी, अब वो बाकायदा एक मुल्क हैं और उस वायलेंस की कोई हद नहीं है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसको रोकने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए वो काफ़ी नहीं है। यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोना और सिर्फ कड़ी निंदा करना या सख्त मजम्मत करना ये काफ़ी नहीं है, अपने आप में स्टेप्स लेने चाहिए बाबा। ऐसी सूरत हाल में हमास ने और उससे पहले के PLO ने और दीगर लोगों ने जो रास्ता अख्तियार किया था फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस मूवमेंट ने, वो वायलेंट डिफेंस का रास्ता अख्तियार किया था। अगर आप पर जुल्म ज़्यादती होती है सेल्फ डिफेंस के हिसाब से आपको ये इख्तियार होता है सेल्फ डिफेंस के लिए कि आप वायलेंस का सहारा ले सकते हैं, ये रास्ता हमास ने इख्तियार किया। हमारे मुल्क में आज़ादी की तहरीक में जहाँ आज़ादी की बहुत सारे ट्रेंड्स थे, उसमें गांधीयन नेशनलिज्म का एक ट्रेंड था, लेकिन एक ट्रेंड ऐसा भी था जहाँ पर लोगों ने ब्रितानवी मजालिम के खिलाफ वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिराजुद्दौला है, टीपू सुल्तान है, बाकी लोग हैं, उन्होंने वायलेंटली यानी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अपनी फौज के जरिए बरतानिया को शिकस्त देने की कोशिश की। उसके बाद मौलाना महमूद हसन ने जिहाद का फतवा दिया और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं और जानते हैं, रेशमी रुमाल तहरीक वगैरह वगैरह। तो आज़ादी के हुसूल के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। फिलिस्तीनियों ने भी ऐसे ही हथियार नहीं उठाए, बल्कि मैंने जिक्र किया कि उनकी जो मूवमेंट थी 1918 से लेकर 1929 तक और उसके बाद भी बड़ा हिस्सा जो उनकी मूवमेंट का रहा वो पीसफुल रहा। आज भी फतह ने 1993 के बाद से तकरीबन हथियार डाल दिए हैं, कोई रेसिस्टेंस वो हथियार की सतह पे नहीं कर रहे हैं उस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद जो वायलेंस है वो ख़त्म नहीं हो रहा है उनकी तरफ से। हमास तो 1987 में बनी है, उससे पहले भी नए कितने कत्लेआम, साबरा शतीला और नए कितने कत्लेआम हो चुके थे। तो हमास ने जो तरीका अख्तियार किया है अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से, अपनी एक फ्रीडम मूवमेंट होने के नाते उनके तरीके को तनकीद नहीं की जा सकती। उनको टेररिस्ट मूवमेंट वगैरह करार देना ये बिल्कुल गलत है। वो आदमी अगर उसी सेंस में हिंदुस्तान में जो आज़ादी की जद्दोजहद करने वाले वायलेंट तरीका अख्तियार करने वाले थे उनको भी टेररिस्ट कहता है तो एक अलग बात है, वरना ये टेररिज्म में नहीं आता कि आप पर जुल्म हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो वायलेंट तरीके से और आप आज़ादी के हुसूल के लिए वायलेंस का तरीका अख्तियार करें, तो वो टेररिज्म के ज़िम्मे में नहीं आएगा। तो वो बिल्कुल अलग कंटेक्स्ट है।
हिंदुस्तान का मामला खैर अलग है, तो मतलब मेरे ख्याल में इसकी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं मुझे कि हिंदुस्तान में आज़ादी या उस तरह की लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान में जो मामला है वो शहरियों का है और शहरियों के साथ होने वाली नाइंसाफियों का है, तो ये एक एक बिल्कुल अलग बहस है। तो ये वाला सबक तो नहीं है। हाँ, सबक ये है कि किस तरह से दुश्मन होते हैं और दुश्मन ताकतवर होते हैं उसके बावजूद आपको घबराना नहीं है और अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है, तो वो सबक हम वहाँ से ले सकते हैं। तो वायलेंस का लेसन तो नहीं लर्न करेंगे हम क्योंकि हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये लेसन ज़रूर लर्न करेंगे हम हमास से, PLO से और दीगर जो तहरीकात रही हैं फिलिस्तीन में, कि बातिल के ज़्यादा ताकतवर रहने के बावजूद, जुल्म इस्तेबदाद के ज़्यादा ताकतवर रहने के बावजूद किस तरह से अपने काम को करते चले जाना है, मायूस नहीं होना है, कुर्बानियाँ पेश करनी है, तहरीक को आगे बढ़ाते चले जाना है। ये सबक तो पूरी दुनिया की जो लोग हैं ऑप्रेस्ड हैं उनको ये सबक मिलता है हमास की मूवमेंट से, और ये सबक हमें भी मिलता है कि हम भी जो हैं वो जद्दोजहद करें, मायूस ना हो और अपना काम करते चले जाएं। ये सबक तो ज़रूर हमें मिलता है। जो मिसकंसेप्शन है वो इसीलिए है कि लोग कोशिश करते हैं कि जैसे हमारा हिंदुस्तान में हथियार उठा लेना सही नहीं है, तो वो उसी पर प्रयास कर लेते हैं, लेकिन ये दो सिचुएशन अलग अलग हैं। हमारा हिंदुस्तान में हथियार उठाना उस वक्त सही था जब मौलाना महमूद हसन बगावत करना चाह रहे थे, रेशमी रुमाल तहरीक या जब टीपू सुल्तान थे वगैरह वगैरह, वो हालात उस वक्त अलग थे। वही हालात फिलिस्तीन में आज भी हैं जहाँ पर इसराइल एक ऑक्युपाइड ताकत है और उसको अगर हथियार के जोर से कोई फ्रीडम स्ट्रगल हटाना चाह रही है तो उसको टेररिज्म नहीं कहा जाएगा। तो ये मिसकंसेप्शन, इसमें मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी बात ये भी इस सवाल के तहत कि आमतौर पर ये मिसकंसेप्शन फैलाने वाले वो लोग होते हैं जो खुद प्रैक्टिकली कुछ कर ना रहे हों, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़मानी जमा खर्च के अलावा कुछ करना चाहिए था। वहाँ पर बहुत सारी हुकूमतें उस इलाके में, खत्ते में ऐसी हैं, तो जब हुकूमतें कुछ ना कर रही हों और छोटा सा मुजाहमती ग्रोह बहुत कुछ कर रहा हो, तो हुकूमतों को जवाब देना पड़ता है और उस मुजाहमती ग्रोह को गलत साबित करना होता है। इसलिए कुछ मिसकंसेप्शन फरोग दिए जाते हैं, हमें उन मिसकंसेप्शन में आने की ज़रूरत नहीं है। जी, और एक सवाल ये है कि जो ईसाइयाँ हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनका जो सपोर्ट टूवर्ड्स ज़ायोनिज्म है वो क्या बेस पे है? मतलब क्या उनको जो जुल्म ज़ाती जो वो लोग कर रहे हैं वो नहीं दिख रही? इंस्टेड दे आर सपोर्टिंग, व्हाई दे आर सपोर्टिंग ज़ायोनिज्म, मतलब क्या वजह है उसकी? देखिए, ये जो बात है ये इसका मजहब से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। मैंने अपनी गुफ्तगू में ये बात भी वादे करने की कोशिश की कि ज़ायोनिज्म की जो तहरीक है वो भी मजहब का मिसयूज़ और एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। अपने आप में मजहबी तहरीक नहीं है वो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन चूंकि इंडिया की बात है तो हिंदुत्व भी मजहब का मिसयूज़ और एक्सप्लॉयटेशन करता है। मजहबी तहरीक अपने आप में वो नहीं है। तो ये जो तहरीकात हैं अपने आप में पॉलिटिकल नौयत रखती हैं, तो न्यूकॉन है या ज़ायनिस्ट हैं, ये अपने आप में चाहे वो क्रिश्चियन हो या यहूदी हो अपने कल्चर और नस्ल के हिसाब से, लेकिन या अपने इंडिविजुअल मजहबी बिलीफ के हिसाब से, लेकिन ये अपने आप में मजहबी तहरीकात नहीं है। तो इसका जवाब हमें जियो पॉलिटिक्स में मिलेगा, और जियो पॉलिटिक्स में उसका ये जवाब है कि वो इलाका जो है जिसको शर्क औसत गलत तौर पर कहते हैं, दुनिया का सेंटर है वो इलाका, उस इलाके को, उस इलाके की बहुत ज़्यादा जुग्राफियाई अहमियत है, और कोई भी दुनिया का सुपर पावर जो है वो चाहता है कि वहाँ पर मतलब हमारी चले। तो अगर वहाँ ऐसे इलाकों में अमन अमान कायम हो गया और कोई है नहीं आपका जो पावर स्टेशन वहाँ पर है, तो सुपर पावर्स के लिए मुश्किल पैदा होंगी। आप ब्रिटेन को देखिए कि वो हिंदुस्तान से गए तो उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का शोशा छोड़ कर गए। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमिक और बाकी प्रायोरिटीज़ अलग होती और उनका दुनिया में स्टेटस अलग होता। वही हाल वहाँ पर है कि ऑटोमन एम्पायर उन्होंने ख़त्म किया तो उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया और बीच में अपना एक चौकी समझ लीजिए कि छोड़ दी उन्होंने। तो अब उस चौकी की निगहबानी उन्हें करनी है क्योंकि उसके ज़रिए वो अपने हथियारों की तजारत में भी मदद मिलेगी और बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलेगी, अरबों को चेक करना मुमकिन होगा। वो अगर वहाँ से हट जाएंगे तो हथियारों की तजारत से लेकर तेल के ज़खीरे पर जो कब्ज़ा है या जो तमाम टेक्नोलॉजी की फरोख्त हो रही है, जिस तरह से उनको एक रोल अदा करने का, मतलब ये इसका जो आंसर है वो जियो पॉलिटिक्स में है कि इसराइल का जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा फीजिबल है, सूटेबल है सुपर पावर्स को वहाँ पर अपने तसरुफात के लिए, और इसीलिए उसकी इतनी ज़्यादा पुश्त पनाही की जाती है। तो इसका कोई मजहबी जवाब नहीं है, इसका जो जवाब है वो जियो पॉलिटिक्स में है, इंटरनेशनल रिलेशंस में है। आप अपने स्पीच के दौरान कई आर्टिकल्स वगैरह का रेफरेंस यूज़ कर रहे थे, तो क्या अपने सामईन को कुछ कोई इंग्लिश किताबें जो ज़ायोनिस्ट मूवमेंट और फाउंडेशन ऑफ इज़राइल के ऊपर एक अच्छा जिसपे होल्ड मिल सके? वो आर्टिकल्स वगैरह जो मैंने रेफर किया, इंशाल्लाह उनकी लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। इस वक्त तो सारे नाम देखने मुमकिन नहीं है दोबारा, वो पता नहीं बहुत सारे कागजात में बिखरे हुए हैं। कोई बुक्स अगर हैं तो? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। और 2008 में गालिबन इसी तरह इसराइल ने गजा पर हमला किया था, तो उस वक्त खुद मैंने एक मुख्तसर सा आर्टिकल भी लिखा था, वो भी इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। बुक जो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे वो
डॉक्टर मोहसिन सालेह थे, वो उन्होंने तारीख पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो फिलिस्तीन के इशू को समझने के लिए द हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन के नाम से उनकी किताब है, इसी तरह द पैलेस्टीनियन इशू के नाम से उनकी किताब है। ये दो किताबें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ फिलिस्तीन के इशू को, तो उसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। रही बात जिन आर्टिकल का मैंने हवाला दिया है या जिस आर्टिकल का मैं अभी कह रहा था आपको, वो तमाम आर्टिकल के नाम और अगर मुमकिन हुआ तो उनकी कुछ और तफसीलात आपको मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। ये दो किताबें मैंने बताई हैं डॉक्टर मोहसिन सालेह की। जज़ाकअल्लाह खैर। ये थे ब्रदर खान यासिर, हम उनके बड़े मशहूर हैं जिसने अपना कीमती वक्त सही तेलंगाना के लिए दिया और अपने वास्ट स्टडी को इस छोटे से अरसे में जो है अच्छे तरीके से डिटेल्ड अंदाज में जो है हम सब तक खिताब कर रहे थे द ज़ायोनिस्ट मूवमेंट और फाउंडेशन ऑफ इसराइल के उनवान पर। इनका मैं फिर से बहुत बड़ा मशहूर हूँ। आप लोगों तक फीडबैक फॉर्म आ चुका है, उसे आप लोग पूर कर लीजिए ताकि हमें आने वाले प्रोग्राम्स में एक सपोर्ट मिले, अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से प्रोग्राम्स चल रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो फीडबैक फॉर्म से उसे हमें जो है अंदाज़ा हो सकता है। साथ ही साथ ये प्रोग्राम अगर किसी को समझ में नहीं आया या कंटिन्यूएशन में जो है प्रोग्राम मिस हुए हैं तो यूट्यूब में और फेसबुक में ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप जो है उसे देख सकते हैं, दूसरों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसी तरीके से एसआईओ तेलंगाना के दूसरे कई सोशल प्लेटफॉर्म्स में जो है पेजेस हैं या अपने खुद के जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जो है उसे दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। इसी तरीके से कल जो है पाँचवा दिन का प्रोग्राम है जिसका उनवान है एटीट्यूड ऑफ मुस्लिम यूथ टुवर्ड्स वेस्ट। बहुत ही उम्दा उनवान है, सारे मुसलमान जो यूथ हैं उन्हें इसे समझने सुनने और बहुत कीनली उसके ऊपर ऑब्जर्व करके जो है एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। इसके जो है खतीब हमारे स्टेट के एसआईओ तेलंगाना जोन के प्रेसिडेंट ब्रदर डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन है। आप सभी माजरीन से गुजारिश है कि कल के इस प्रोग्राम में शिरकत करें और अपने दोस्त अहबाब खानदान सभी हजरात को इसके अंदर शिरकत करने की गुजारिश कराइए। साथ ही साथ ये जूम के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी अवेलेबल रहेगा, उसके ऊपर भी आप लोग स्टेप ले सकते हैं। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का अख्ताम का ऐलान किया जाता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तग़फिरुका व अतूबु।